हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा वो ट्रिक थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। और इस ट्रिक को अच्छे समझना है क्योंकि 30% क्वेश्चन बच्चों के रॉन्ग या नहीं बन पाते हैं इस वजह से, क्योंकि वो बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते ही नहीं हैं। तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो थर्मोडायनेमिक्स में तीन टाइप के हो सकते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। बहुत ईजी है। ओपन मतलब क्या हो सकता है कि मास का भी एक्सचेंज होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग में, और एनर्जी का भी, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं तो ओपन सिस्टम बोलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो एक पार्ट ओपन करके दिखाया, राइट। क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, क्लोज कर दोगे तो अब मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, मास अब एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम सराउंडिंग में, बट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो ये ध्यान रखना है, मास यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो सकता। आइसोलेटेड में अब मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो वेरी सिंपल है ये। हमें कैसे पता लगेगा, तो सम ऑफ द वर्ड यूज कर सकता है, जैसे सील्ड एंड रिजिड कंटेनर एंड इंसुलेटेड वर्ड, तो ये दो वर्ड यूज कर दिया, मतलब आइसोलेटेड बोलना चाह रहा है वो। तो इसलिए ध्यान से समझना है, हमारे जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होंगे वो क्लोज सिस्टम से रिलेटेड होते हैं या फिर ओपन सिस्टम से। आइसोलेटेड के वेरी रेयर होते हैं, बट तीनों क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव, राइट। इंटेंसिव में इन वर्ड आ रहा है और इंडिपेंडेंट में भी इन आता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, राइट। अब आप कैसे पहचानेंगे, कोई अननोन क्वांटिटी दे दिया कि वो इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव, तो रफी सर का ट्रिक वेरी सिंपल, पांच तरीके से पहचान सकते हो। पहला कि जो भी गिवन है उसको कट या डिवाइड कर दो, दो पार्ट में। अगर कट या डिवाइड करने पे अगर वो चेंज हो रहा है तो एक्सटेंसिव, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटेंसिव। जैसे ये मार्कर का मास, तो अभी मान लो 2 ग्राम है, इसको मैं कट कर दूँ तो 1-1 ग्राम हो जाएगा, चेंज हो गया, तो मास क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। लेकिन टेम्परेचर, तो अभी मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, कट कर दूं तो भी दोनों पार्ट का 25 ही रहेगा, राइट, तो चेंज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो पहला ऐसे आप पता कर सकते हैं। दूसरा, जिसको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहे तो वो इंटेंसिव होगा। जैसे अगेन वही टेम्परेचर, अगर इस मार्कर का टेम्परेचर 25 है और मेरे इस हैंड का 30 है सपोज करो, तो दोनों को मैं अगर अटैच कर दूं तो ऐसा नहीं है कि 55 हो जाएगा, राइट। डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे तो इंटेंसिव, डायरेक्टली अगर ऐड कर देंगे तो एक्सटेंसिव। जैसे इस मार्कर का मास 2 ग्राम, दूसरा मार्कर उसका मास 3 ग्राम, दोनों को अटैच कर देंगे तो कितना बोलते हो, 5 ग्राम, तो ऐड कर पा रहे हैं, तो ऐड कर पाएंगे डायरेक्टली तो एक्सटेंसिव, राइट। तीसरा कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, मोलर वर्ड अगर लगा दे पहले या स्पेसिफिक वर्ड लगा दे तो वो फिर इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हीट कैपेसिटी, तो ये एक एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वर्ड लगा दिया तो इंटेंसिव हो जाएगा। तो किसी भी अगर क्वांटिटी के आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लग गया है, यानी पर यूनिट मास अगर वो हो गया है तो इंटेंसिव हो जाएगा, या फिर रेशियो ऑफ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे डेंसिटी, तो क्या होता है वो, मास बाय वॉल्यूम, मास आपका एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, राइट, क्योंकि वॉल्यूम को भी मान लो इसका वॉल्यूम अगर 2 ml है, कट कर दूंगा तो 1 ml हो जाएगा, राइट, चेंज हो रहा है, तो दोनों ही एक्सटेंसिव है, लेकिन इसका रेशियो, दैट इज डेंसिटी, ये क्या है, इंटेंसिव है। तो इसलिए ये पॉइंट का ये मतलब है कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है। और लास्टली, अगर किसी के लास्ट में ITY वर्ड लगा हुआ है, जैसे देखो डेंसिटी में ITY, तो वो फिर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो ये 5 पॉइंट है ट्रिक के बेटा, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, बिजली पहचान लोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंटेंसिव में मोलर हीट कैपेसिटी, तो वही मैं बताया, हीट कैपेसिटी सिर्फ बोलता तो एक्सटेंसिव में आता, लेकिन मोलर वर्ड लगा दिया इसलिए क्या हो गया, इंटेंसिव। मोलारिटी, देखो ITY वर्ड लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, राइट। ई नॉट सेल, EMF ऑफ द सेल, ये भी आपका इंटेंसिव। देखो मास का आगे मोलर वर्ड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। कंडक्टिविटी, ITY वर्ड लगा हुआ है, अगेन इंटेंसिव। प्रेशर, इंटेंसिव। टेम्परेचर, अभी समझाया कि अगर मैं कट कर दूं तो भी दोनों पार्ट का टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है, तो बस ये 5 पॉइंट से इजीली पहचान लोगे। तो इंटेंसिव, डेंसिटी, ITY वर्ड लग गया तो इंटेंसिव, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन, ऐसा मैं भर सकता हूँ, राइट। तो आपको एक आइडिया दे दिया हूँ। सिमिलरली एक्सटेंसिव, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो गया, हीट कैपेसिटी,
गिब्स फ्री एनर्जी, ध्यान देना गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ मोलर गिब्स फ्री एनर्जी तो फिर इंटेंसिव। जैसे इंथैल्पी तो यहाँ पे आएगा राइट, डेल्टा एच इंथैल्पी आपका एक्सटेंसिव है, मोलर इंथैल्पी तो इंटेंसिव, क्योंकि बता दें आपको मोलर वर्ड अगर लगा दें तो फिर वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही मोल, मास, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एटसेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे एक्सटेंसिव। तो आई होप मेरे स्ट्रिक से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं 4, 5, 10 दे देंगे और इंटीजर टाइप में पूछ ले जाते हैं मेंस में, या फिर चार ऑप्शन करके विच इज एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपका क्वेश्चन अब रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक फंक्शन, तो ये दो टाइप के होते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करता है लाइक डिस्प्लेसमेंट, जबकि पाथ फंक्शन पाथ पे भी डिपेंड करेगा लाइक डिस्टेंस, जो फिजिक्स में पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही थिंक करना है। तो पॉइंट का इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट और हक्स वर्ड से आप याद रख सकते हो, पीवीटी प्राइवेट हक्स, तो ये सब स्टेट फंक्शन है, डेट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये थर्मोडायनेमिक है, यही आपका स्टेट फंक्शन है, इसलिए इसमें आप डेल्टा वर्ड अप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान रहे अगर चेंज की बात करेंगे, जैसे डेल्टा टी फॉर एग्जांपल, तो ये एक फंक्शन नहीं है, सिर्फ टी इज ए फंक्शन राइट, वैसे डेल्टा एच फंक्शन नहीं है, एच सिर्फ फंक्शन है, एंथैल्पी चेंज फंक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जनरली जो स्टेट फंक्शन होता है उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। और डेल्टा एच डेल्टा यू जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है उसका वैल्यू जीरो होगा अगर प्रोसेस आपका साइक्लिक होगा तो, क्यों, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया फिर घूम फिर करके वहीं पर आ गए राइट, तभी एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, इसलिए चेंज उसका जीरो रहेगा। पाथ फंक्शन में दो ही हैं, एक हीट है और एक वर्क है राइट, इसलिए इसमें आप डेल्टा वर्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम ऐसा नहीं लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा राइट। और स्मॉल लेटर से इसको दिखाते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। दीज आर द सम बेसिक पॉइंट। नाउ नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। आइसोथर्मल वर्ड, कहीं पे भी आइसो वर्ड केमिस्ट्री में आया उसका मतलब होता है सेम राइट। थर्म में थर्म हीटिंग का सेंस आ रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, इसलिए डेल्टा टी जीरो होगा या स्मॉल चेंज डी टी जीरो होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ये कर्व है तो इस कर्व पे मैं कोई भी पॉइंट लूँ वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया 200 केल्विन फिक्स, तभी इसको आइसोथर्मल कर्व बोलेंगे राइट। सिमिलरली इस कर्व पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो ये 300 केल्विन होगा, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, बट इन दोनों का डिफरेंस है, इसलिए आइसोथर्मल में कुछ बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि हर चीज़ का सेम रहेगा, नहीं, किसी एक कर्व पे सब पॉइंट का सेम रहेगा, लेकिन कर्व डिफरेंट करोगे तो टेम्परेचर डिफरेंट होगा, फिर उस कर्व पे सबका सेम रहेगा, तो आइसोथर्मल में ये ध्यान रखना है। और वैसे हम पढ़ेंगे आगे चल करके आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी जीरो होता है फॉर आइडियल गैस, ध्यान देना फॉर आइडियल गैस ओनली। आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेल्टा वी जीरो या डी वी जीरो, इस केस में वर्क भी जीरो हो जाएगा, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे। आपको कभी कभी आइसोकोरिक वर्ड ना लिख करके रिजिड कंटेनर वर्ड कहीं पे लिख दिया, तो समझ जाना कि वो आइसोकोरिक बोलना चाह रहा है, तो बस इसी पॉइंट सब पे मैं आपको कंसंट्रेट करवाना चाह रहा हूँ कि आइसोथर्मल तो यहाँ पे लिख करके दे देगा, यहाँ पे आइसोकोरिक ना लिख करके रिजिड वर्ड लिख दिया, तो आपको समझ जाना कि आइसोकोरिक है फिर वो। आइसोबारिक, बार वर्ड आ रहा है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए डेल्टा पी जीरो या डी पी जीरो, ये कैसे बोल सकता है, ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो फिक्स है तो प्रेशर कांस्टेंट राइट। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है, हीट जीरो नहीं, हीट कांस्टेंट होता है, चेंज इन हीट जीरो होगा, ये ध्यान रखना। अब इसको भी तीन वर्ड से वो यूज कर सकता है, इंसुलेटेड वर्ड कहीं पे लिख दिया मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोएंट्रोपिक लिख दिया मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है, या फिर थर्मोफ्लास्क वगैरह से प्रॉब्लम आ रहा है मतलब एडियाबेटिक है, तो ये सब पॉइंट पे ध्यान रखना, ये इनडायरेक्ट वे में बोलना चाह रहा है, डायरेक्ट वो नहीं बोलेगा एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये सब वर्ड भी यूज कर सकता है। और लास्टली एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, डैट मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, इसलिए उसमें जो स्टेट फंक्शन वाले होंगे उन सब का चेंज जीरो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी को गया, बी से सी, सी से ए, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, ध्यान से देखो
तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। ध्यान दे, ऐसे साइक्लिक नहीं होगा, ए से बी गया, बी से सी गया और ए से फिर सी आया, ये साइक्लिक नहीं हुआ। साइक्लिक मतलब एक चला और एक आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में फिर से वहीं पे पहुंच गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में मिनिमम 3 प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा, देख सकते हो ए से बी, बी से सी और सी से ए, 3 प्रोसेस मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। और इस केस में स्टेट फंक्शन का चेंज 0 रहेगा, पाथ फंक्शन का 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है। तो आई होप ये पॉइंट्स सब आपको क्लियर होंगे। एंड नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हो सकते हैं वो दो टाइप की, एक को बोलते हैं रिवर्सिबल और एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो डायरेक्ट ये वर्ड आपको लिख करके नहीं देगा एग्जाम में, और कैसे दे सकता है, स्लो प्रोसेस वर्ड अगर यूज कर दिया। तो इसलिए सब पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, इसलिए मैंने ये लिया है, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है। स्लो प्रोसेस बोला मतलब रिवर्सिबल बोलना चाह रहा है, इमेजिनरी प्रोसेस बोला तो भी रिवर्सिबल बोलना चाह रहा है। जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो और इन सब पॉइंट से कुछ पता ना लगे तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना। एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, ऐसा वर्ड यूज कर दे कि एक्सटर्नल प्रेशर वेरी कर रहा है तो भी वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जो ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस होगा, ऑब्वियस बात है वो वेरी वेरी लेस होगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। इसका एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, डैट मीन्स आपको कोई भी ग्राफ इस टाइप से दिखेगा, राइट। तो ये हम रिवर्सल प्रोसेस का ही बना सकते हैं। सिमिलरली इन्फाइनाइट स्टेप में हो रही रिएक्शन, ऐसा वर्ड यूज कर दिया तो ये सब रिवर्सिबल बोलना चाह रहा है। सिमिलरली इरिवर्सिबल कैसे पहचानोगे, फास्ट प्रोसेस बोल दिया, इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल बोलना चाह रहा है। रियल या नेचुरल प्रोसेस है तो भी इरिवर्सिबल है, राइट। एक्सटर्नल प्रेशर कहीं पे भी यूज कर दिया कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर हो रहा है, तो मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, राइट। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा, डेट मीन्स इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ आना है तो जैसे एक डॉट कर करके ऐसे, क्योंकि आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में मालूम होता है, जबकि कंटिन्यूअस या रिवर्सल प्रोसेस में हर एक पॉइंट के बारे में आपको मालूम होता है क्या हुआ है, राइट। हर एक पॉइंट के बारे में मालूम होता है, बट इसमें बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में मालूम होता है, इसलिए इसका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा, आप डायरेक्टली ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। और कैसे आपको पहचानवा सकता है, फाइनाइट स्टेप में हो रही है, तो अगर फाइनाइट स्टेप में हो रही है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका बेसिक फर्क कहाँ पे पड़ता है, ये देखो स्टेट फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टेट फंक्शन में अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, फार्मूला सेम रहेगा। लेकिन जो पाथ फंक्शन है, डेट इज हीट एंड वर्क, यहीं पर दिक्कत होती है। हीट एंड वर्क में रिवर्सिबल में अलग फार्मूला आएगा, इरिवर्सिबल में अलग फार्मूला आएगा, इरिस्पेक्टिव कि ये दोनों फिर डिपेंड ना करे स्टेट फंक्शन पे। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट का इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो अच्छे से इसको समझ लेना है। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब जो हमारे पास टोटल 6 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, हीट, वर्क, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, इनका मैं अलग अलग कैलकुलेशन पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे करते हैं वो बताऊंगा। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के कैलकुलेशन से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को विद इन 1 मिनट में कर लोगे। इस चैप्टर में सबसे बिग प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने आती है कि बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें, तो कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, ये सब झंझट से हमने बिल्कुल आपको आज़ाद कर दिया बेटा। जो बताने जा रहा हूँ बहुत यूनिक वे में, और पूरी थर्मोडायनेमिक में वर्क का कहाँ कहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपके सामने बोर्ड पे है, बस इतना ही है। ध्यान से देखो, हमें थर्मोडायनेमिक में वर्क का कैलकुलेशन 2 केस में पूछा जाता है, एक आइडियल गैस में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहता है, और एक केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज, ये आपको दिख जाएगा क्योंकि रिएक्शन आपको लिखी हुई दिख जाएंगी, या फेज चेंज सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में, तो वो दिख जाएगा। तो पॉइंट पहले क्लियर हो गया। अब आइडियल गैस में कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वर्क जो हो जाएगा पी इंटू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, इस फॉर्मूले से आपको वर्क निकाल देना है। साइन का भी टेंशन नहीं लेना आपको, साइन मैं बताऊंगा वो भी अपने ट्रिक से, तो ये निकाल देंगे। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो सर क्या करेंगे, तो फिर
इंटीग्रेशन पीडीवी करना पड़ेगा, जहां पे प्रेशर शुड बी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम में लेके आना है। ये रेयर है, बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। तो आइडियल गैस में ये बात हो गई कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फिक्स हो गया फॉर्मूला, प्रेशर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। नाउ अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वर्क वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। आइसोकोरिक वर्ड कहीं पे यूज कर दिया या रिजिड कंटेनर तो वर्क जीरो ही हो जाएगा, टेंशन खत्म। एडियाबेटिक प्रोसेस में चूंकि क्यू जीरो होगा तो डब्ल्यू जो है वो आपका वो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। आइडियल गैस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, एन सी वी डेल्टा टी से, एन मोल्स है, सी वी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो जनरली गिवन होता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, राइट। और एक और ध्यान से देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो कैसे निकालेंगे, तो W इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, आप वी वन बाई वी टू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज रहते हैं, बस दोनों को डिवाइड करना है, किसी को भी ऊपर नीचे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन हम डिसाइड करेंगे डेफिनेटली। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, तो ये बस आपको ध्यान में रखना, आइडियल गैस में बस यहीं से वर्क निकाला जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर साइन उसके बाद कैसे देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वेरी सिंपल है बेटा, इससे अच्छा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। साइन आप कैसे दोगे वर्क का, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक्सपेंशन अगर हो रहा है, एक्सपेंशन कैसे पता लगेगा, इनिशियल वॉल्यूम कम है फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो पता लग गया एक्सपेंशन हो रहा है, या वर्ड यूज कर देगा कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क के आगे वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने इधर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दिखाया, इसको बस पहले कैलकुलेट कर लो, साइन हम डिसाइड करेंगे। सिमिलरली कंप्रेशन हो रहा है तो वो पता लग जाएगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, पहले ज़्यादा होगा बाद में कम हो गया होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो वर्क की वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन रखना है। दूसरा अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ध्यान से देखो सिस्टम पे वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम तो फिर पॉजिटिव, कैसे आपको इसको, तो सिस्टम को मानना है कि ये गेस्ट है, तो गेस्ट पे अगर वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव फीडबैक है, राइट। लेकिन वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, तो अगर गेस्ट से वर्क करा लिए तो नेगेटिव फीडबैक है, राइट, तो नेगेटिव कर देना है। तो वेरी सिंपल पॉइंट हो गया, सिस्टम वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव बात है, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो बस यहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे। फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है, तो वर्क का एक ही फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ पे आर की वैल्यू फिक्स है 8.314, जिसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 25/3 भी यूज कर सकते हो। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में, या कभी कभी क्वेश्चन में आर टी के फॉर्म में ही रहने देता है, डेट इज ओके। मैन पॉइंट इज कि डेल्टा एन जी क्या है, तो वेरी सिंपल, डेल्टा एन जी इज स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, और कौन सा वाला लेना, जी मतलब गैस वाला लेना आपको, माइनस स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और जी अगेन मतलब गैस वाला लेना है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ, जब रिएक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो सबको गैस फेज मानना, राइट। वैसे भी N2 गैस होता है, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एनजी निकालूँ तो देखो स्टॉइकोमेट्रिक प्रोडक्ट का पहले लेना है, दो है माइनस रिएक्टेंट में यहाँ 3 आगे, और आगे वाला लेना ध्यान देना तो 1, तो टोटल 4 हो गया, तो 2-4 डेट इज -2, जो साइन आए वो साइन लेना बेटा, तो ये -2 हो गया। वैसे इस केस में ये सॉलिड है, S मतलब सॉलिड, तो इसका नहीं लेंगे, ये सॉलिड है नहीं लेंगे, ये गैस है तो इसका लेंगे, तो इसका अगर मुझे डेल्टा एन जी निकालना हो तो ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1, और इधर तो सॉलिड है तो कुछ नहीं या 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में जी मतलब गैस, एल मतलब लिक्विड, ये सब आपको दिखा देगा, एल मतलब लिक्विड, जी मतलब गैस, तो इसका अगर मैं डेल्टा एन जी निकालूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, पहले प्रोडक्ट का लेना है तो 1 माइनस, क्योंकि इसका क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये लिक्विड था तो नहीं लेना है, सॉलिड होगा तो नहीं लेना है, इधर में ये लिक्विड है नहीं लेना है, इधर लेना है तो -2, तो कितना हो गया -1, तो ये डेल्टा एन जी आप निकाल लोगे, डेल्टा एन जी आ गया आर और टी, तो सिंपल। फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन में तो बेटा कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट एक फार्मूला और डेल्टा एन जी निकालना बच्चों वाला काम है। नाउ सर साइन कैसे देंगे, तो वेरी सिंपल, साइन आप कैसे दोगे, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इन द सेंस जैसे यहाँ पे प्लस साइन के साथ आ रहा है, तो वर्क को निगेटिव करना है, क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट में स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज़्यादा है गैस का, रिएक्टेंट में कम है, मतलब एक्सपेंशन हुआ है, और एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, निगेटिव, पॉइंट वही है,
समझने का तरीका अलग है। सिमिलरली डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो जैसे इस केस में नेगेटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ, तो वर्क को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, दबा दिया गया, तभी तो नेगेटिव हुआ है। तो डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव रखना है। और डेल्टा एनजी जीरो हो गया तो सर तो वर्क जीरो हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में कैसे निकालना समझा दिया आपको, वेरी सिंपल। और आइडियल गैस में कैसे निकालना है, साइन हम खुद डिसाइड करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है बेटा, बस यही आपको ध्यान से समझ लेना है। नाउ नेक्स्ट, वर्क निकालने का एक और तरीका है, डेट इज ग्राफिकल मेथड। और इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कन्फ्यूजन अब खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझो, अगर आपको प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम कर्व गिवन है तो एरिया अंडर द पीवी कर्व विल गिव यू वर्क, राइट। ध्यान देना, प्रोजेक्शन आपको कहाँ पे लेना है, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे वॉल्यूम को दिखाया उस पे प्रोजेक्शन लेना है। तो ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया है, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ। तो अगर आप ध्यान से देखो, ए से बी आ रहे हैं, वो कैसे पता लगा, एरो से। और ए से जब बी आ रहे हो तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, क्योंकि ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से इधर जैसे जैसे जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पहली चीज़ तो ये हो गया। तो जो चार ऑप्शन हो गए उसमें से नेगेटिव वाला आंसर करना है। नाउ निकालेंगे कैसे, तो वो ध्यान से समझो, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व, तो ध्यान से देखो ये पूरा एरिया, ये एरिया आपको वर्क देता, राइट। लेकिन यही चीज़ अगर मान लो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होती, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको क्या ध्यान देना है कि फाइनल प्रेशर कहाँ पर रुका। इरिवर्सिबल होने का मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये प्रेशर है, राइट, फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ है, तो फाइनल वाले में ये वर्क है। तो वही पॉइंट को मैंने समझाया कि इस केस में अगर मैं डब्ल्यू रिवर्सिबल की बात करूँ, तो ये मान लो एरिया ए है और ये एरिया बी है, तो ए प्लस बी एरिया है। और डब्ल्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर निकालूं मैं, तो सिर्फ क्या है आपका, एरिया ए है। तो इसलिए आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सल प्रोसेस है, तो डब्ल्यू मैक्स उसी में आएगा। डैट मीन्स मैक्सिमम वर्क आपको तब मिलेगा जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा हो। वहीं पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से ए पे जा रहा है, कैसे, एरो से पता लगा, बी से ए पे इधर की तरफ, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अभी भी चूंकि रिवर्सल प्रोसेस अगर होगी तो उसका वर्क यही रहेगा, ये वाला पूरा, राइट, अभी भी ये वर्क तो वही रहेगा। डैट इज मान लो ये एरिया ए मान लेता हूँ और ये एरिया बी, तो वर्क क्या हो जाएगा रिवर्सल प्रोसेस का, ए प्लस बी जब कंप्रेशन हो रहा है तो। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट आपका ये है, फाइनल प्रेशर ये है, तो फाइनल प्रेशर से एक लाइन खींचनी है, राइट, और कहाँ से कहाँ तक, जो वॉल्यूम का जहाँ से जहाँ तक चेंज हुआ है। तो ये ध्यान से देखो, ये भी वर्क एक्स्ट्रा आ गया। तो W इरिवर्सिबल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो A प्लस बी और इसको मान लेता हूँ C, तो ये C एरिया भी है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो यही कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो मैक्सिमम वर्क आपको कब मिलेगा, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, ध्यान से देखो ये कंप्रेशन हो रहा है, तो जब कंप्रेशन होगा और मैक्सिमम वर्क चाहिए तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कराना पड़ेगा, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है और आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए तो रिवर्सिबल प्रोसेस कराना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, राइट। तो ये समझ में आया, और एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम, अगर कभी भी कर्व गिवन हो, अगर प्रेशर ये वाला कांस्टेंट है तो ये आइसोबारिक हो गया, अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक हो गया। ऑलवेज जो होता है आइसोथर्मल, वो एडियाबेटिक से ऊपर होते हैं, बस ये ध्यान रखना, एडियाबेटिक से ऊपर होते हैं, तो ये आइसोथर्मल होंगे क्योंकि इसमें वर्क ज़्यादा होगा और एडियाबेटिक में वर्क कम होगा, राइट। तो वही पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा है कि वर्क जो आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा वो ज़्यादा आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस से। एक और पॉइंट डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट पे क्वेश्चन आए हुए बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो, और बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है, समझना है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो एडियाबेटिक में वर्क क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर, क्योंकि क्यू जीरो हो गया। डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। आप क्या बोल रहे हो, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, निगेटिव। अब ये वैल्यू निगेटिव कब हो सकते हैं, एन तो मोल्स है,
एक फिक्स नंबर है, सी वी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये भी एक फिक्स नंबर है, डेल्टा टी को निगेटिव होना पड़ेगा। डेल्टा टी कब निगेटिव होगा, डेल्टा ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल डिफाइंड होता है, तो ये कब निगेटिव हो सकता है, जब इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा हो फाइनल कम हो, तो डैट मीन्स टेम्परेचर कम हुआ है, तो कभी भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगा, ये सब वर्ड यूज कर सकता है। वैसे ही एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ तो एडियाबेटिक है, तो क्यू जीरो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर, और डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, राइट। अब कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क हमें मालूम है साइंस से क्या, पॉजिटिव, तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा टी पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल पॉजिटिव, डैट मीन्स टी फाइनल ग्रेटर होना चाहिए, डैट मीन्स क्या हुआ है, हीटिंग हुआ है, तो ये ध्यान रखना, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग, एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा तो हीटिंग। अगर आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए, एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवर्सल प्रोसेस कराना पड़ेगा, अगर आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए, कंप्रेशन हो रहा है तो आपको इरिवर्सल प्रोसेस कराना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जब इरिवर्सल प्रोसेस हो तो फाइनल प्रेशर कहाँ पे गया, वहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो फाइनल प्रेशर मेरा यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, तो इसलिए ये एक लाइन ड्रॉ किया और दो वॉल्यूम के बीच में, तो इसलिए बस इतना ही हमारा वर्क है इरिवर्सल में। वैसे यहाँ पे कैसे कि यहाँ से यहाँ के ये फाइनल है और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट और ये पूरा ऐसे कर देना है, एक आपको रेक्टेंगल टाइप का बना देना है फाइनल प्रेशर से लेते हुए दोनों वॉल्यूम के बीच का। तो ये ध्यान से देखो, ये तो इतना आया ही प्लस ये वाला भी आ गया, तो इसलिए वर्क इसमें ज़्यादा होगा। नाउ एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन जो कि 2023 में पूछा हुआ है, किस तरह से ग्राफ दे दिया, वर्क पूछा गया है जूल्स में, तो ध्यान से देखना, यूनिट का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहले तो वर्क में वन से टू का निकाल लेता हूँ, वर्क वन से टू का क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वॉल्यूम का चेंज 40 माइनस 20 20 हो गया और इनटू प्रेशर 1 है, राइट, तो ये हो गया 20। ध्यान दे, ये बार इनटू लीटर आया है, इसको अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करूँ तो 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल होता है, तो इसलिए 20 इंटू 100 प्लस माइनस, आपको मालूम ही है क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क निगेटिव कर देना। डब्ल्यू 2 से 3 का निकालो, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वर्क क्या हो गया, 0। उसका W 3 से 1 का निकाल लो, 3 से 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट, पीवी ग्राफ गिवन है आपको, तो क्या फॉर्मूला होता है, एन आर टी एल एन वी 2 बाई वी 1 आपको बताया, लगा लो और साइन तो हम डिसाइड करेंगे। अब एन आर टी नहीं गिवन है सर, तो 1 मोल गिवन है, और यू नो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, तो कहीं पे भी निकाल लो आप, आइदर कंडीशन 1 पे निकाल लो या कंडीशन 2 पे या 3 पे, जहाँ पे भी मन करे, तो मैं 1 पे लगाना चाह रहा हूँ, तो 1 पे प्रेशर मेरा कितना है, 1 बार, वॉल्यूम वहाँ पे कितना है 20, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन आर टी की वैल्यू मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, पी वी 1 इंटू वहाँ पे वॉल्यूम कितना है 20। आप चाहो तो 0.2 पे भी लिख सकते हो 40 वॉल्यूम, बट ध्यान देना प्रेशर कितना है यहाँ पे आकर के 0.5, तो वही आएगा 20 आएगा, राइट, तो ये हो गया एल एन ऑफ वी 2 बाई वी 1, तो 40 बाई 20, राइट, तो ये कितना होगा 20। यहाँ पे ध्यान देना नेचुरल लॉग है, इसको लॉग विथ बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.3 और ये लॉग 2 कितना होता है 0.3, राइट, तो ये सब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये प्रॉस कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, तो ये 1380 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है जोल्स के लिए। अब ध्यान देना ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, वैसे हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो लेकिन ध्यान देना यहाँ तक। उसके बाद टोटल प्रोसेस का वर्क, तो ये प्लस ये प्लस ये, तो ये ध्यान देना ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये 2000 है आपका और 1380 हटा दोगे तो आंसर कितना जाएगा 620। तो अब ये मॉड के साथ बताना, ये नहीं कि सबको ऐड कर दिया, तो ये पॉइंट ध्यान रखना था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मोल से हीलियम गैस का एक्सपेंड हो रहा है, अगेन इस वर्ड पे ध्यान देना है, मतलब वर्क नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड पूछ रहा है मैक्सिमम वर्क का, तो फिर कोई बात नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और मैक्सिमम वर्क तो वो कब होगा, जब रिवर्सल प्रोसेस होगा, तो एंड रिवर्सिबल लिख ही दिया है 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, तो वर्क बताना है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला एन आर टी एल एन वी 2 बाई वी 1,
चूंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस प्लस का यहाँ पे झंझट ही नहीं है। मोल्स आपको गिवन था 5, आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 300 केल्विन, एलएन 20/10 कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 × 8.3 × 300, राइट। और ये नेचुरल लॉग है, उसको लॉग विथ बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2.3 और लॉग 2.3। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखो, ये इसका 10 आया और इसका 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 5, 83, 3 और 23 और इंटू में 0.3 है, तो ये ध्यान रखना। तो ये सब अप्रॉक्स करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 8630 के आसपास। कैसे, अगर मैं इसको 80 भी लूँ तो 8 × 5 = 40, 400 तो यही हो गया, और इसको 25 लूँ तो × 75 और इंटू में 0.3, राइट। तो ये अगर ध्यान से देखो तो आप इसको कितना कर सकते हो 120, राइट। 400 × 0.3 कितना हो गया 120, कैसे है क्योंकि इसका ये 10 से 10, तो 120, तो 120 × 75 जो कि अप्रॉक्स कितना आएगा, ये आएगा। कभी भी आपको प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन गिवन है, तो आप क्लोज तक को आप पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 मोल्स आइडियल गैस का था, 1 बार प्रेशर, इतना टेम्परेचर पे एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम, बस ये वर्ड से देखो खत्म। अब ये इतना जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये सब फालतू का है, कभी कभी बच्चे यही सब समझ नहीं पाते हैं और वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं कि ये सब में से कोई होगा। वैक्यूम है मतलब प्रेशर 0, प्रेशर 0 तो वर्क 0, क्यों, क्योंकि वर्क क्या था PdV, तो प्रेशर ही 0, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आइडियल गैस एक्सपेंड 1 L to 10 L अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 bar, तो वर्क किलो जूल में बताना है। तो यहाँ पे देखो मैं जो पॉइंट सब बताया था आपको इसी वजह से, एक तो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा इसलिए ये ऑप्शन गया, इन तीनों में से कोई होगा। 1 L to 10 अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब हमारा कैसा होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो वर्क क्या हो जाएगा P∆V मतलब वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, P कितना है 1 bar, वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया 10 − 1 = 9, तो ये 9 bar × L हुआ, 1 bar L 100 के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 900 joule, हमें किस में चाहिए किलो जूल में, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.9 kJ, और चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव, तो इसलिए ऑप्शन सी, तो ध्यान से देखो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड वर्क व्हेन 1 mole ऑफ इथेन बर्नड इन ऑक्सीजन कम्प्लीटली एट 500 केल्विन, तो ध्यान देना है यहाँ पे ये रिएक्शन आ गया कैसे, क्योंकि इथेन को बर्न कर रहे हैं तो C2H6 को ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या मिलेगा कम्प्लीटली CO2 एंड वाटर। ऐसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे वो भी बता रखा हूँ, 2 carbon है तो 2, 6 hydrogen है तो यहाँ 3, यहाँ टोटल 7 हो गए तो यहाँ 7/2। अब यहाँ पे इस टेम्परेचर का यूज है 500 केल्विन है इसलिए वाटर किस में होगा गैस फेज में, CO2 तो गैस में रहेगा, O2 गैस है ही, इथेन आपका गैस है। अगर ये टेम्परेचर 100 °C डेट मीन्स 373 से कम होता तो यहाँ पे फिर हमें लिक्विड लेना पड़ता है, इसलिए फिर ΔNG में वो नहीं आता, तो अभी ΔNG कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 3 + 2 = 5 − 7/2 डेट इज 3.5 और ये 1 तो 4.5, तो कितना आ गया 0.5। वर्क क्या होता है रिएक्शन में ΔNgRT 0.5, आर हो गया आपका 8.3, टेम्परेचर 500, तो इसका दोनों पॉइंट हटा दो आप तो ये 10 ये 10 ये कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो ये 25 × 83। यहाँ पे ही बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, नहीं करना बेटा, ध्यान से देखो इसको 80 लो तो 25 और 80 कितना हो गया 2000 के आसपास, 2000 से थोड़ा ज़्यादा, आंसर क्या हो जाएगा ए। नाउ यहाँ पे प्लस या माइनस अगर हमें करना होता तो ध्यान से देखो वाई सब है यहाँ पे सारे प्लस में दिए हुए हैं, इसलिए अगर प्लस माइनस करना होता तो ΔNg पॉजिटिव आ जाए मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क क्या होता है निगेटिव, तो बाय द वे वर्क आता निगेटिव। तो नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिट का कन्वर्जन 1 calorie जो होता है वो 4.18, जिसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 4.2 joule या अप्रॉक्स 4 joule लेकर के भी आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑप्शन कैसे गिवन है, राइट। 1 ATM liter जनरली जो प्रेशर ATM में वॉल्यूम लीटर में, तो अगर उसको जूल्स में ले जाना हो तो 101.325 होता है,
जिसको 101 जूल भी ले सकते हो और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 100 भी ले सकते हो। वैसे ही 1 बार लीटर जो है वो 100 जूल के बराबर है, तो ये ध्यान रखना, इसलिए यूनिट में ही दिक्कत होती है बच्चों को। दूसरा, वर्क कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस बोल दिया तो डेल्टा एन जी जीरो हो गया, तो वहाँ पे वर्क जीरो होगा। वैक्यूम वर्ड यूज कर दिया है, वर्क जीरो कर देना है। रिजिड कंटेनर बोला, वर्क जीरो, क्योंकि डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन कहीं पे वर्ड यूज कर रहा है, डेल्टा जी जीरो। फेज चेंज में सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से सॉलिड में, तो वहाँ पे भी वर्क जीरो। तो ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खोज खोज करके निकाला है मैंने। तीसरा, केट इज ए पाथ फंक्शन, और अगर ये पाथ फंक्शन है तो ये पाथ पे डिपेंड तो करेगा, लेकिन एक केस में ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा, और वो कौन सा, एडियाबेटिक। क्यों, एडियाबेटिक में चेंज इन हीट जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर, चूंकि डेल्टा यू आपका स्टेट फंक्शन है और वो डब्ल्यू के बराबर हो रहा है, तो डब्ल्यू भी इस केस में क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। तो इसलिए ध्यान देना, वर्क सिर्फ एक ही केस में स्टेट फंक्शन हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में, अदरवाइज वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है। तो ये एक तरह से प्रोसेस डिपेंडेंट हो गया, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में तो ये स्टेट फंक्शन हो सकता है, इन जनरल। अब यहाँ पे जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो भी ध्यान से सुन लेना, अगर पूछा वर्क कीजिए तो पाथ फंक्शन, लेकिन वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस तो फिर स्टेट फंक्शन। तो इसलिए ध्यान से समझना आपको पॉइंट को। और रही बात कि वर्क का फॉर्मूला होता क्या है, एफ डॉट एस, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, राइट। और वी नो कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है, तो यहाँ से फोर्स क्या ले सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया, राइट। तो यहाँ पे लिख दो प्रेशर इंटू एरिया इंटू ये लेंथ आपका, तो ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, डी वी, वॉल्यूम हो गया, राइट। तो इसलिए पी डी वी करते हैं। तो चूंकि केमिस्ट्री में प्रेशर से ज़्यादा रिलेशन होता है, फोर्स की बात ही नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे और फिजिक्स में ऐसे निकलते हैं। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको समझ में आया होगा बेटा। आप वर्क पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कहीं से भी पूछ ले, आपको जो दो केस बताया वहीं से आएगा, उसको अच्छे समझ लो, उससे बाहर कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आप थर्मोडायनेमिक्स में हीट के कैलकुलेशन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को एक मिनट के अंदर में और बहुत ईजिली कर लोगे। तो ध्यान से देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हीट का कैलकुलेशन आपको दो केस में करना है, एक आइडियल गैस के केस में जो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, और एक केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज में निकलना होगा। केमिकल रिएक्शन आपको दिख जाएंगी और फेज चेंज भी आपको दिख जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में एटसेट्रा, राइट। तो दोनों ही केस बिल्कुल अलग है, इसमें कन्फ्यूजन का कोई सीन ही नहीं है। तो अगर आइडियल गैस है तो उस केस में हीट 99% हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालेंगे, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है आइडियल गैस में तो क्यू आपका जीरो हो जाएगा, तो खत्म हो गया। अगर आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो तो वर्क जीरो, तो वर्क यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दोगे तो क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। इसलिए हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो वी सबस्क्रिप्ट में है उसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू, और इज इक्वल टू एन मोल्स हो गया सी वी, जो आपको गिवन होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, राइट। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हीट एक स्टेट फंक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि हीट डेल्टा यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में ही ओनली हीट एक स्टेट फंक्शन है, अदरवाइज हीट एक पाथ फंक्शन है, राइट। आइसोथर्मल होगा तो क्या होगा, तो वेरी सिंपल, राइट। आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होगा, चूंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा यू जीरो पुट कर दोगे तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के, और इसके बारे में कैलकुलेशन आपको बता दिया, डैट मीन्स क्यू और वर्क का न्यूमरिकल वैल्यू सेम होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, राइट। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होंगे, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इनथैल्पी के बराबर हो जाएगा, और इनथैल्पी कैसे निकलते हैं, मोल्स एन सी पी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो यहां से आप निकाल लोगे, राइट। साइक्लिक प्रोसेस हुआ तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, राइट, क्यों, क्योंकि इट इज ए स्टेट फंक्शन, तो इसलिए क्यू अगेन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू के। तो आइडियल गैस में आपको ऐसे निकालना है। एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है, आइडियल गैस के केस में सी पी माइनस सी वी,
हीट कैपेसिटी का डिफरेंस एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, गैस कांस्टेंट आर के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए। एंड सीपी बाई सीवी क्या होता है, गामा के बराबर होता है, राइट। गामा क्या होता है, 1+2/F, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे मोनो एटॉमिक गैस लाइक हीलियम, जितनी भी नोबल गैस है जो सिंगल फॉर्म मिलते हैं HE, ऐसा O2 इज नॉट ए मोनो एटॉमिक, क्योंकि O2 में दो ऑक्सीजन हो गया। तो जो मोनो एटॉमिक ओनली वन एटम होंगे तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितना लोगे आप, 3 लोगे। तो यहाँ पे F3 पुट कर दोगे तो गामा आ जाएगा, राइट। CP गिवन होगा तो CV निकालना होगा, और CV गिवन होगा तो CP। इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं ईजी वे में। सिमिलरली अगर डायटॉमिक है लाइक O2 N2 ये सब, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना लेंगे, 5 लेंगे। एंड अगर पॉली एटॉमिक होगा और नॉन लीनियर होगा लाइक SO2, तो फिर आप F कितना लेंगे, 6 लेंगे। और अगर मान लो कि पॉली एटॉमिक है लाइक CO2 बट लीनियर है, राइट, एक ही लाइन पे, तो फिर F कितना लेंगे, 5 लेंगे। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नाउ हमने यहाँ पे साइन कुछ कंसिडर नहीं किया, उसके पीछे रीजन क्या, क्योंकि साइन हम खुद असाइन करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव रखना है या निगेटिव। साइन के केस में वेरी सिंपल है, एकदम सिंपल ट्रिक से, सिस्टम में कोई चीज़ आ रहा है इन, तो इन हो रहा मतलब गेन हो रहा है, गेन हो रहा मतलब पॉजिटिव है, और ऐसी रिएक्शन को इंडोथर्मिक बोलेंगे, राइट। सिस्टम से कोई चीज़ बाहर जा रहा है डैट मीन्स लॉस हो रहा है, तो निगेटिव, और ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक। तो हीट का साइन कब पॉजिटिव लेना है, हीट इन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, हीट आउट ऑफ द सिस्टम निगेटिव होगा। तो साइन का टेंशन खत्म हो गया। केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज में वी नो कि ये कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट डेल्टा H इंथैल्पी के बराबर ही हो जाता है, जिसके बारे में हम पूरा कैलकुलेशन आपको आगे की वीडियो लेक्चर में बताएंगे भी। तो यहाँ पे हमें कैसे निकालना होगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछ ले तो डैट इज डेल्टा H, और डेल्टा H रिएक्शन के केस में क्या हो जाता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ये इंथैल्पी हो गया, ये इंटरनल एनर्जी। डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, ये आपको वर्क में भी बताया था, स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी गैसियस पार्ट हैं उन सब का समेशन कर लो, माइनस स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट में जितने भी गैसियस पार्ट हैं उनको ऐड कर लो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मुझे डेल्टा NG निकालना हो, तो देखो प्रोडक्ट में गैस ये है, ये तो लिक्विड है तो इसका कुछ नहीं लेना है, तो ये 3 हो गया, माइनस इधर सॉलिड है इसका कुछ नहीं लेना है, इधर ये गैस है तो इसका 2, तो डैट इज 1। मतलब प्रोडक्ट में जितने भी होंगे सबको ऐड कर लो, माइनस रिएक्टेंट में जितने होंगे उसको कर दो, तो डेल्टा NG आएगा। तो यहाँ डेल्टा NG पुट कर दोगे, R एक फिक्स वैल्यू है, राइट, 8.314, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में, तो डेल्टा H गिवन होगा तो डेल्टा U निकालना होगा, या फिर डेल्टा U गिवन होगा तो डेल्टा H निकालना होगा। डेल्टा H ही आपका क्या है, हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये ध्यान रखना है। अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है तो वो डेल्टा U के बराबर है, जो आप यहाँ से देख सकते हो। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम आपके पास फॉर्मूला है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, डेल्टा H निगेटिव, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो जाएगा, तो वही डेल्टा H होंगे। वैसे इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट डेल्टा H पॉजिटिव, राइट, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोले तो डेल्टा H। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा हीट निकालो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा H निकालना, एक्चुअली दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये है आपका फॉर्मूला, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। नाउ अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 लीटर आइडियल गैस, राइट, अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली। वर्ड सब पे ध्यान देना, इसलिए मैंने बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स में मेजर पॉइंट है बेसिक टर्मिनोलॉजी का। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या हो गया, 0 लिख लिया करो आप, इनटू वैक्यूम, वैक्यूम है तो वर्क क्या हो गया, 0। तो हमें क्या निकालना है, हीट, तो यू नो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू आपका 0, वर्क आपका 0, तो क्यू भी क्या हो गया, 0, डैट्स इट। ये इतना जो वैल्यू सब गिवन है वो जस्ट आपको कन्फ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मोल्स है 293 केल्विन पे, अगेन आइसोथर्मल है, तो क्या हो गया, डेल्टा यू आपका 0, फ्रॉम इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर आपको गिवन है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में वर्क कैसे निकलता आपको बता रखा हूँ, पी एक्सटर्नल और वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। यहाँ पे पी एक्सटर्नल आपको गिवन है कितना, 4.3 मेगा पास्कल है, ध्यान रखना। अब वॉल्यूम फाइनल तो गिवन है नहीं सर, तो वही आप क्या करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, एनआरटी बाय पी से। मोल्स कितना था, 5, आर आपको आर ही रहने दो, टेम्परेचर आपको गिवन है 293 बाय,
एक बार प्रेशर आपका कितना है, तो 2.1 माइनस फिर से एन आर टी बाई प्रेशर कितना है 1.3। अब ध्यान देना यहाँ पे ये कैलकुलेशन में कि आप जब निकालोगे तो 4.3 एन आर और टी ये सब कॉमन निकल जाएगा, ये 1/2.1 माइनस 1/1.3 ये भी मेगा पास्कल में, ये भी मेगा पास्कल में, तो कैंसिल हो जाएंगे राइट। तो ये अप्रॉक्स जो आएगा आपको वो 15,000 जूल्स के आसपास आएगा। सब ऐसा यूनिट ने पुट किया, हमें कैसे निकालना वो भी ध्यान देना है। अगेन वर्ड पे किलो जूल और पर मोल, किलो जूल में निकालना है तो कितना हो गया ये 15 किलो जूल, तो ये तो कितने का आया है 5 मोल्स का, हमें एक मोल का बताना है। क्वेश्चन में यही सब पॉइंट पे ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन 1 ही आपका है, इतना कैलकुलेशन करके 1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। किलो जूल पर मोल में पूछा है, तो 15 किलो जूल 5 का है, तो पर मोल एक मोल का कितना हो जाएगा 15 / 5 डेट इज 3, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडियल गैस अगेन आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू क्या कर दोगे 0, कंप्रेशन हो रहा है फ्रॉम 5 m/1 m³ अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो राइट। तो यहाँ पे आपका वर्क आ गया कितना 4 और 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया 16। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा यूनिट में, वो भी ऐसा यूनिट में, तो जूल्स ये वर्क हो गया। डेल्टा यू 0 है तो क्यू ही क्या है माइनस ऑफ डब्ल्यू के बराबर है। एनी हाउ नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, हीट कैपेसिटी गिवेन है, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है मोल्स इंटू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, राइट। तो ये आपको मालूम है कितना आ गया 16 मोल्स, कितना 1 मोल का 1 cm आपको गिवन था, हीट कैपेसिटी कितना 24 और डेल्टा टी वही पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इंक्रीजेज बाय कितने से ये इंक्रीज होगा, तो यहाँ से आप देख लो कितना आ जाएगा यह डेल्टा टी आपका ये 8 to the ये 8 to 3 the, तो डेल्टा टी कितना हो गया आपका 2/3 केल्विन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, जस्ट वर्ड का ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये इस तरह से ग्राफ गिवेन है और कुछ वैल्यू गिवेन है आपको, हीट प्रोसेस सी से ए का बताना है। तो ध्यान से देखो मुझे क्या मालूम है, हीट ए बी का मालूम है, वर्क ए बी का मालूम है, तो यू नो डेल्टा यू ऑफ ए बी अगर मैं लिखूं तो वो क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी हो जाएगा, राइट। क्यू ए बी आपको गिवेन है 2 और प्लस डब्ल्यू ए बी माइनस है, राइट, तो माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस 3 और माइनस होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव, राइट। तो और चूंकि डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए शुड बी इक्वल टू 0, साइक्लिक प्रोसेस में जा रहे हैं। डेल्टा यू ए बी अभी आपने निकाला डेट इज माइनस 3, डेल्टा यू बी सी आपको गिवन है डेट इज माइनस 5 और प्लस डेल्टा यू सी ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से डेल्टा यू सी ए कितना हो गया आपको 8। अब अगर सी ए प्रोसेस का आपको मालूम है डेल्टा यू कितना है 8, राइट, प्लस में है साइन के साथ लेना है, डेट इज इक्वल टू क्यू सी ए जो हमें निकालना है प्लस डब्ल्यू सी आपको गिवन है कितना है 3, तो यहाँ से क्यू कितना आ गया प्लस में 5, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना एक माइनस था एक प्लस था, तो ऑप्शन बी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी इजी होते हैं, इससे इजी कुछ नहीं होता है। कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, रिलेशन क्या है बेटा एक ही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर कब होगा जब डेल्टा एन जी 0 होगा, चेक करो किसमें 0 है, इसमें क्या हो जाएगा 2 माइनस ये 3 और 1 4, 2 माइनस 4 तो माइनस 2, तो इसमें तो नहीं होगा, इसमें ध्यान से देखो 1 और 1 2 माइनस ये 2, तो यहीं 0 हो गया, इसलिए ऑप्शन बी। इस केस में चेक करो तो 2 माइनस 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया माइनस 1, इस केस में 1 और ये 2 है तो 1 माइनस 2 डेट इज माइनस 1, ध्यान देना सब गैस फेज में था, सिर्फ गैस फेज वाला लेना। इसको बहुत तरीके से पूछ सकता है, कहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर होगा डेल्टा यू से, तो ये कब हो सकता है जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा, कहाँ पे डेल्टा एच स्मॉलर होगा डेल्टा यू से, तो ये कब हो सकता है
जब डेल्टा एन जी स्मॉलर होंगे, राइट। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू बताओ तो डेट इज नथिंग बट एक्चुअली क्या पूछ रहा है आपसे, डेल्टा एन जी आर टी। ये सब देख करके बच्चे डर जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बताओ, या डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बताओ, मतलब डेल्टा एन जी आर टी। आर आपको कॉन्स्टेंट है, फिक्स टेम्परेचर आपको गिवन होगा, डेल्टा एन जी तो एकदम बच्चों वाला चीज़ है, हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, या फिर आपको डेल्टा यू दे देगा हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा एच निकालो, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी कर देना है। या कभी ऐसा होगा कि ये दोनों गिवन हो तो ये निकालो, इस टाइप से घुमा फिरा करके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखना डेल्टा एन जी में सिर्फ गैस वाला लेंगे। तो आई होप ये सब पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीन पॉइंट है कि हीट इज ए पाथ फंक्शन, वी ऑलरेडी नो, बट एक केस में हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू के बराबर है तो उस केस में स्टेट फंक्शन होगा। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, हीट पूछे तो पाथ फंक्शन, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो स्टेट फंक्शन। दूसरा, इट इज ए पुअर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, अपीयर एट बाउंड्री ओनली, राइट, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हीट क्रिएट होते हैं, बस ये ध्यान रखना। और इट इज़ ए रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि एंट्रोपी में ये कैलकुलेशन में आता है, तो ये रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। स्टेटमेंट या थ्योरेटिकल टाइप में ये पॉइंट आपको काम आएंगे। एंड पॉइंट नंबर थ्री, डेट इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। हीट कैपेसिटी तीन टाइप की होती है, एक को बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी, एक को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, और एक को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा आप यूनिट से पहचान जाओगे, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यूनिट अगर जूल पर केल्विन है तो वो टोटल हीट कैपेसिटी है, क्यों, क्योंकि हीट की यूनिट हमारा क्या है, जूल, बस किसी तरह जूल लाना है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि सी का यूनिट क्या हो गया, जूल पर केल्विन, और डेल्टा टी केल्विन, तो केल्विन केल्विन कैंसिल, बस आपको यूनिट से मैच कर करके, तो ये जो हीट कैपेसिटी होगी वो टोटल होगी, इसलिए सी डेल्टा टी। अगर जूल पर मोल पर केल्विन गिवन है तो ऑब्वियस बात है मोल भी हटाना है केल्विन भी, तो इसलिए मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन सी डैश डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा मोल, राइट, सी डैश आपका जूल पर मोल इंटू केल्विन और डेल्टा टी केल्विन, तो देखो केल्विन केल्विन मोल मोल कैंसिल, तो हीट का ऐसा यूनिट जूल आ गया। तो बस यूनिट से पहचान लेंगे तो ये हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक में कैसे दे देगा, जूल पर ग्राम पर यूनिट मास केल्विन, इसलिए मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा आपको, जूल्स बचेगा, राइट। तो ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इसलिए क्यू सी डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं, क्यू एन सी डैश डेल्टा टी, क्यू एम सी डबल डैश डेल्टा टी, बट आपको मालूम है कि ये फार्मूला हम सिर्फ 1% यूज करते हैं, 99% वर्क का कैलकुलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करते हैं। और एक ये पॉइंट ध्यान रखना, आइसोथर्मल के केस में हीट कैपेसिटी ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और एडियाबेटिक में हीट कैपेसिटी जीरो, क्योंकि क्यू क्या हो गया आपका जीरो। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में हीट का कैलकुलेशन करना है तो इससे बाहर कुछ नहीं बेटा, अब आप सारे प्रॉब्लम कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आपके अंदर की सोई हुई केमिस्ट्री जाग जाएगी। डैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी, तो वेरी सिंपल है, और अभी मैं जितना बताऊंगा उतना ही ध्यान रखना, उससे बाहर कुछ नहीं बेटा। तो आपको इंटरनल एनर्जी दो केस में निकालना होगा, एक आइडियल गैस के केस में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, या फिर केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज में आपको निकालना होगा। तो ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये मेंशन होगा आइडियल गैस क्वेश्चन में, और ये रिएक्शन आप देख करके पहचान जाओगे, फेज चेंज भी आप देख करके पहचान जाओगे कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आइडियल गैस के केस में आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है तो एक ही फार्मूला है अपने पास बेटा, एक ही फार्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू, जिसको डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स
हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान रहे टेम्परेचर कैल्विन में पुट करना है, सीवी आपको गिवन होगा। बस यही एक फॉर्मूला है, आइडियल गैस के केस में आप निकाल सकते हो। ये सब जो लिखा हमने उसका सब केस लिखा है, राइट, जो आप जानते हो। फॉर एग्जांपल अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू जीरो, तो ये कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है। वैसे ही साइक्लिक प्रोसेस है, चूँकि ये एक स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा यू जीरो। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो वही सेम फार्मूला, राइट। आइसोकोरिक है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था अपना, क्यू प्लस डब्लू, तो वर्क अगर जीरो हो गया तो डेल्टा यू ही क्यू के बराबर है, दैट इज हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू, फार्मूला यही रहेगा। अगर एडियाबेटिक है तो क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू डब्लू के बराबर हो जाएगा, राइट। चूँकि आइडियल गैस के केस में सी पी माइनस सी वी आर होता है एंड सी पी वाई सी वी गामा होता है, जिसको पॉइजन रेशियो भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं तो सी वी क्या आ गया मेरे पास, आर अपॉन गामा माइनस वन, इसलिए इसका एक और फार्मूला हो जाएगा, एन सी वी की जगह पुट कर दो ये आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। तो डिपेंडिंग सी वी दे दिया है तो ये वाला यूज कर लेंगे, अगर सी वी नहीं दिया गामा दिया है तो ये यूज कर लेंगे, क्योंकि आर तो फिक्स है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। एन मोल्स है, डेल्टा टी टेम्परेचर है, आप निकाल लोगे। तो आइडियल गैस के केस में सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है जिससे आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। सिमिलरली फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन में भी अपने पास एक ही फार्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इनथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। चूँकि जो भी रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर होती है, इसलिए एक ही फार्मूला है। तो 99% क्वेश्चन अगर डेल्टा यू का फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन में आएगा तो आपको यही फार्मूला लगाना है, और वेरी सिंपल है। डेल्टा एच गिवन होगा, फिर आपको डेल्टा यू निकालना होगा। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं ये बात हम कर रखे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, जो गैस फेज वाले होंगे, जो गैस में होंगे, राइट, उनका लेना है, सारे को सम कर लेना प्रोडक्ट वाले का, माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का, कौन सा, जो गैस फेज में उन सब का सम कर करके माइनस कर देना, तो डेल्टा एन जी आएगा। आर आपको मालूम ही है 8.314, टेम्परेचर टी आप पुट कर देंगे केल्विन में, ध्यान रखना, तो यहाँ से डेल्टा यू आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट वे में भी निकाल सकते हैं, ये एक तरह से इनडायरेक्ट वे हो गया, क्योंकि डेल्टा एच मालूम होना चाहिए और क्वेश्चन में गिवन होता है, लाइक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बोल दिया तो वो डेल्टा एच ही है, राइट। और आपसे पूछा जाएगा हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बताओ, तो आप या इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट वे में कैसे निकालेंगे, तो सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आपको इंटरनल एनर्जी अगर गिवन होगा तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से प्रोडक्ट के इंटरनल एनर्जी को मल्टीप्लाई करके सबको सम कर लेना प्रोडक्ट साइड का, माइनस फिर उसको रिएक्टेंट साइड से कर देना, तो यहाँ से डायरेक्ट वे में सबकी वैल्यू गिवन होगी तो हम निकाल सकते हैं। तो ये है आपका इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन का। अब हम आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में वन मोल आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली फ्रॉम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, वर्क डन इज गिवन टू यू 3 किलो जूल, फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। तो थर्मोडाइनिक्स में सबसे जो मेजर पॉइंट होता है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्या क्या गिवन है। जैसे ध्यान से देखो रफी सर कैसे कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, माइनस में 3 किलो जूल पर मोल, बस ये पॉइंट का ध्यान देना, यही सब गलती होती है। एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव, रिवर्सिबल ठीक है, एडियाबेटिक है तो क्यू क्या हो गया जीरो, तो डेल्टा यू आपका क्या होता है क्यू प्लस डब्लू, तो यहाँ पे डेल्टा यू जो कि एन सी वी डेल्टा टी होता है वो किसके बराबर हो गया, डब्लू मतलब माइनस में, 3 किलो जूल है ध्यान दें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जूल पर मोल में आ गया। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, सी वी भी आपको गिवन है जूल्स में, फाइनल टेम्परेचर बताना है, मोल्स वन था तो वन पुट कर दो, सी वी 20, डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1000, तो यहाँ से डेल्टा टी आपको कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो अब ध्यान से देखो तो माइनस में 150 आएगा, और डेल्टा टी ऑलवेज, डेल्टा चेंज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस में 150। फाइनल टेम्परेचर पूछा है, इनिशियली 27 है मतलब कितना हो गया 300 केल्विन, तो यहाँ पे पुट कर दो तो उधर जाएगा प्लस, तो टी फाइनल कितना हो जाएगा 150 केल्विन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वो हर एक पॉइंट पे ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन नंबर टू में 2 लीटर आइडियल गैस आ गया, इट्स ओके फाइन,
एक्सपेंशन, फिर से बोल रहा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल जैसे ही बोला, और क्या पूछ रहा हमसे, डेल्टा यू, तो मैं क्या बोल दूंगा, जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो, बाकी चीज़ आपको पढ़ना नहीं, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुल्ली रीड करना थर्मोडायनेमिक्स से, डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर थ्री में सीपी आपको गिवन है, डेल्टा यू गिवन है, हीटिंग फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन मोल्स पूछा गया था, तो वी नो चूंकि आइडियल गैस है ये, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी गिवन है हमें सीवी निकालना पड़ेगा, राइट, तो सीपी माइनस आर इज इक्वल टू सीवी, तो सीपी आपका कितना है 20.785 माइनस 8.314, तो ये अप्रॉक्स में आप कितना ले सकते हो, 12 के आसपास, राइट। अब डेल्टा यू आपको गिवन है, डेट इज 5000 इज इक्वल टू एन मोल्स जो कि निकालना ही है, सी वी आ गया आपका 12, और डेल्टा टी यहाँ से आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 200, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो 12 टू द 24, 24 टू द 48 उसके आसपास हो जाएंगे, तो एन्स इंटीजर में कितना हो जाएगा 2, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, भरे भरे, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ बेटा, कि एक रिएक्शन दे देगा, उसका डेल्टा यू दे दिया आपको एट 27 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा एच बताओ, गलती कहाँ कहाँ पे होती है, डेल्टा यू किलो जूल में, राइट, तो ये ध्यान देना, और डेल्टा एच भी किलो जूल में पूछा जा रहा है, फॉर्मूला तो एक ही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये आपका अगर किलो जूल में है, ये भी अगर किलो जूल में है, तो इसको भी किलो जूल में बनाना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना, डेल्टा एन जी निकालना आपको बताया, इसका 1, इसका 1, 2 माइनस इसका 1, चूंकि सारे गैस फेज में, तो डेल्टा एन जी आर टी अगर मैं निकालूं, तो 1 इंटू आर 8.314 टी टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, 27 मतलब 300, ध्यान रहिए जूल्स में आया, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0.3 है ये, तो ये अप्रॉक्स में 2.4 या 5 के आसपास आप ले सकते हो, ये हो गया किलो जूल पर मोल में। नाउ आप पुट कर दो वैल्यू को, तो ध्यान से देखो, तो डेल्टा एच निकालना में, डेल्टा यू माइनस में, राइट, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 59.6, और प्लस में डेल्टा एन जी आर टी प्लस में आया 2.5, तो आप ध्यान से देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 57, वो भी माइनस में, तो डेल्टा एच आपका माइनस में 57 के आसपास हो जाएगा इंटीजर टाइप में। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू बताओ, राइट, या फिर यहाँ पे जैसे डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एच दे देगा डेल्टा यू बताओ, या किस केस में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, डेट मीन्स डेल्टा एन जी आर टी जीरो होना चाहिए, उसका मतलब डेल्टा एन जी जीरो होना चाहिए। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम भरे पड़े हैं, जस्ट डेल्टा एन जी में ध्यान रखना है, गैस वाला लेना है, प्रोडक्ट के सारे स्टोइकोमेट्री माइनस रिएक्टेंट के। क्वेश्चन नंबर 5 में 2.4 ग्राम कोल को बर्न किया गया बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो टेम्परेचर राइज हुआ 298 से 300, डेल्टा एच पूछा गया, ध्यान देना किलो जूल पर मोल में, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर का अगेन ध्यान देना किलो जूल पर केल्विन में, तो यहां से मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूं, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब क्या हो गया, जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है, और वी नो हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, राइट, और यहां पे ध्यान से देखो आपको सी वी गिवन है, सी वी जो है वो 20 किलो जूल पर केल्विन है, यूनिट का ध्यान रखना है, तो इसलिए सिर्फ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा टी से, कितना है वो 2 केल्विन, तो केल्विन केल्विन कैंसिल, तो डायरेक्ट आपको डेल्टा यू कितना आ गया है 40 किलो जूल, ये ध्यान दे, ये 40 किलो जूल किसका है, 2.4 ग्राम कोल का है, राइट, और चूंकि कोल है मतलब कार्बन सॉलिड में होगा, ऑक्सीजन गैस में विल गिव यू CO2 गैस, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा एन जी इसका आ रहा है 0, कैसे, गैस का 1 और इधर गैस का 1, सॉलिड का तो लेंगे नहीं, राइट, तो 0, तो इसका मतलब डेल्टा एच ही डेल्टा यू है, बट ध्यान देना आपको कि डेल्टा एच मुझे किसका निकालना है, पर मोल का, एक मोल का, अभी जो डेल्टा एच आया है 40 किलो जूल वो किसका आया है, 2.4 ग्राम, मतलब आप मोल्स निकाल सकते हो, 2.4 बाय 12 डेट इज 0.2 मोल्स का आया है, मुझे एक मोल का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पर मोल कितना हो जाएगा, 40 बाय 0.2 डेट इज 200 किलो जूल पर मोल, तो इसमें बस यूनिट का और जो वर्ड है उसका ध्यान रखना है, तभी थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन सही होंगे, अदरवाइज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो, 2.2 ग्राम N2O कूल्ड फ्रॉम 310 केल्विन टू 270 केल्विन,
कॉजिंग कंप्रेशन 217 ml टू 167 ml, और आपको डेल्टा यू बताना है, सीपी आपको गिवन है। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेट मीन्स पहले मैं क्यू निकाल लूँ, क्यू क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखो, सीपी कैसे है 100 जूल पर केल्विन पर मोल है, तो डेट मीन्स आपको एन निकाल लेना है। तो 2.2 ग्राम था तो उसको 44 से, तो मोल्स आ गया एन सी गिवन आपको 100, डेल्टा टी आपको 40, राइट। तो ये आ जाएगा आपको ध्यान से देखो, इस पॉइंट का यहाँ पे डेसिमल लगा दो, जीरो से जीरो कैंसिल, राइट। तो ये 22 से 2 टर्म्स में, ये 2 से 2 टर्म्स में, तो ये 200 जूल है आपका क्या हीट। नाउ वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू पी 1 बार है और डेल्टा वी, तो यहाँ ध्यान दें 50 ये ml में है, तो 1000 से डिवाइड किया तो लीटर में, और 1 बार लीटर क्या होता है 100 जूल्स के बराबर, तो इनटू में 100 कर दूंगा तब ये जूल्स में आ जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब, तो ये कितना आ गया 5 जूल्स, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी गलती होती है, अब कूलिंग हुई है, कूलिंग में मतलब हीट निकला है, तो ये जो होगा आपका माइनस में होगा, और कंप्रेशन डेट मीन्स वर्क क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे 200 माइनस 5 डेट इज 195 जूल्स आंसर आएगा इसका। तो आपको ऐसे करना है, पॉइंट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, डेल्टा एच वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा यू वेपोराइजेशन की वैल्यू सम कांस्टेंट इनटू 10 की पावर 2 है, तो वो वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि वाटर को क्या किया जा रहा है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। तो इसका डेल्टा एन जी अब ध्यान से देखो 1 हो जाएगा, कैसे गैस का तो लेंगे इधर लिक्विड है तो 0, डेल्टा एन जी अगर 1 हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी पुट कर दो 1, तो ध्यान से देखो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इधर लेंगे तो किसके डेल्टा एन जी 1 मतलब आर टी, मतलब आपको आर टी की वैल्यू निकालना है फाइनली। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और आर आपको मालूम है 8.314, टेम्परेचर 373 जो अप्रॉक्स में 31 × 10^2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 31। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगेन यहाँ पे जो गड़बड़ी होती है वो ध्यान से देखो क्या होता है, ए से बी प्रोसेस है, क्यू एब्जॉर्ब 5 जूल है, वर्क डन बाय गैस 8 जूल है, तो क्या मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूँ, तो डेल्टा यू ए बी का क्या हो जाएगा क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी, ध्यान देना है साइन ए बी एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब मतलब गेन, गेन मतलब पॉजिटिव, तो इसको ऐसे ही रखना है 5 प्लस डब्ल्यू ए बी वर्क डन बाय गैस मतलब सिस्टम ने वर्क किया निगेटिव फीडबैक, तो क्या हो जाएगा माइनस में 8, तो ये कितना हो जाएगा -3। अब आपको बी से ए प्रोसेस का हीट इवॉल्व गिवन है तो वर्क पूछा गया है, तो यू नो अगर ए से बी का डेल्टा यू जो आपने अभी निकाला -3 है, तो बी से ए का क्या हो जाएगा +3, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे अगर रिवर्स करेंगे तो, राइट, और वैल्यू वही रहेगी। तो डेल्टा यू बी ए की बात करूंगा तो वो क्यू बी ए हो जाएगा प्लस डब्ल्यू बी ए। अब डेल्टा यू बी ए कितना हो गया वो तो आपको मालूम है कि डेट इज 3 हो चुका है, राइट, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू नाउ क्यू बी ए आपको गिवन है हीट इवॉल्व हुआ है मतलब लॉस, तो ध्यान देना वो माइनस प्लस डब्ल्यू बी ए निकालना है डेट इज एक्स, तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा आपका इधर आ जाएगा तो +6, तो यहाँ पे 6 जूल हुआ। अब 6 जूल प्लस में आया इसका मतलब क्या हो गया है कि वर्क डन बाय सराउंडिंग हुआ, ऐसा भी बोला जा सकता है, या फिर वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ है, सिस्टम पे वर्क हुआ है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप के वर्ड में वो आपको फंसा सकता है। तो आई होप ये 8 प्रॉब्लम से आपको कैसे कैलकुलेशन करना एक आइडिया हो गया, अब आप सारे पी वाई क्यू को कर सकते हो। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, राइट, और अगर क्वेश्चन में कहीं पे बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्ड यूज कर रहा है डेट मीन्स वो सिंपल कहना चाह रहा है कि हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, डेट इज डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा वो, तो ध्यान रखना क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, ये फिक्स है, राइट। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 और वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि अगर ये एक स्टेट फंक्शन है तो अगर ए से बी प्रोसेस का डेल्टा यू अगर आपको मालूम है और बी से ए का निकालना हो तो वैल्यू सेम रहेगी, ध्यान से देखो वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ
साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे चूंकि प्लस साइन था तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। दूसरा, वैसे ही अगर ए से बी प्रोसेस का डेल्टा यू अगर आपको मालूम है और अगर आपने इसको किसी कांस्टेंट लाइक 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से देखना, राइट। और पॉइंट नंबर 3 कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ए प्लस बी गिव्स यू 2c, इसका डेल्टा यू गिवन है, कोई दूसरी रिएक्शन है सी प्लस डी गिव्स यू बी, डेल्टा यू इसका गिवन है, तो इन दोनों रिएक्शन को अरेंज करके कोई तीसरी रिएक्शन आ रही है तो उसका डेल्टा यू बताओ। तो आपको जस्ट देखना है कि आप क्या कर रहे हो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ध्यान से देखो एरो के अपोजिट साइड कैंसिल होते हैं, तो बी से बी कैंसिल, यहाँ पे एक सी है तो एक सी कैंसिल होगा, तो ए प्लस डी गिव्स यू सी, तो मैंने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया इसलिए डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो बस इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन जिस रिएक्शन का गिवन है उस रिएक्शन को आप कैसे अरेंज करो जिससे कि वो मेन रिएक्शन आ रही है तो उससे आप डेल्टा यू उसका निकाल सकते हो, और ये दो पॉइंट का यूज कर सकते हो, रिवर्स करो तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई अगर करना पड़ रहा है तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आई होप ये इंटरनल एनर्जी आपका क्लियर होगा, अब आप सारे PYQ को ईजिली कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक एंड कंसेप्ट दूंगा उस ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से आप थर्मोडायनेमिक्स में इनथैल्पी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को विद इन 1 मिनट में और बहुत इजीली और सही कर लोगे। तो ध्यान से समझो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना, उससे बाहर कुछ नहीं है। सबसे पहले इनथैल्पी, डेट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, तो इनथैल्पी H क्या होता है, U प्लस PV, डेट मीन्स इनथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी प्लस PV वर्क का सम है, राइट। इसलिए अगर मैं चेंजेस लगाऊं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, डेट मीन्स ये आइडियल गैस में भी लगा सकते हैं आप और फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन कहीं पे भी लगा सकते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला, कहीं पे भी लगा सकते हैं। नाउ आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दो केस में, एक आइडियल गैस के केस में इनथैल्पी का कैलकुलेशन और एक फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन में इनथैल्पी का कैलकुलेशन। तो वेरी सिंपल, आइडियल गैस के केस में फिक्स है फॉर्मूला, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, N मोल्स हो गया, CP हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। चूंकि वी नो डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा G, डेल्टा S, हक्स वर्ड से याद कराया था, ये चारों ही स्टेट फंक्शन है, इसलिए ये फॉर्मूला रिवर्सिबल प्रोसेस में भी लगा सकते हो और इरिवर्सिबल में भी, डजंट मैटर, राइट। तो यही एक फॉर्मूला है आइडियल गैस के केस में, डेट्स इट। उसी को सब पार्ट हमने बनाया कि अगर आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा H 0, साइक्लिक प्रोसेस होगा तो भी डेल्टा H 0, क्यों, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जब भी पूछा जाए डैट मीन्स वो आपसे डेल्टा H पूछ रहा है, इनथैल्पी पूछ रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में वही लगा सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, आइसोकोरिक में भी अगेन सेम क्योंकि ये मेन फॉर्मूला है, राइट। वी नो आइडियल गैस के केस में CP/CV गामा होता है एंड CP-CV R के बराबर होता है, तो डेल्टा H का एक और फॉर्मूला NCP डेल्टा T या गामा टाइम्स ऑफ NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये इतना डेल्टा U था तो गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा U, तो इन सब का यूज कैसे हो सकता है, अगर डेल्टा U गिवन है, गामा गिवन है आपको, तो डेल्टा H मालूम है एंड वाइस वर्सा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, आइडियल गैस के केस में बस इतना ही है बेटा। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज में, चूंकि जितनी भी रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होती है, इसलिए डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा PV था, कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से बाहर आ जाएगा, तो P डेल्टा V और P डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा NgRT। तो एक ही फॉर्मूला है अगेन आपको, अगेन केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, इस पर हमने कई बार बात कर लिया, राइट। जहाँ पे डेल्टा H जो है वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, जहाँ पे डेल्टा U हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डेल्टा NG कैसे निकालते हैं आपको बता रखा हूँ, जितने भी प्रोडक्ट वाले गैसियस वाले होंगे उन सब के स्टॉइकोमेट्री को ऐड कर लेना, माइनस रिएक्टेंट के जो गैस वाले होंगे उसके स्टॉइकोमेट्री को माइनस कर देना, राइट। तो डेल्टा NG निकाल लोगे, R एक फिक्स वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में आपको पुट करना है, तो यही एक फॉर्मूला है।
डेल्टा एच निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवेन हो, इंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवेन हो, बॉन्ड एनर्जी गिवेन हो, ये सब हम एक सेपरेट चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में। तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको पूरा मैं डिस्कस करूँगा। तो अब ध्यान से देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं है। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि यू नो इंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, इसलिए सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, राइट। और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी हो जाएगा, डिपेंडिंग अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो पी डेल्टा वी, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो वी डेल्टा पी, और अगर दोनों वेरिएबल होंगे तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, राइट। तो ये आपको क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए से बी प्रोसेस का अगर डेल्टा एच एक्स किलो जूल पर मोल है, और सपोज करते हैं कि ए से बी रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर ए से बी ही प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल हो, तो भी डेल्टा एच वही रहेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच एक स्टेट फंक्शन है, तो उसको पाथ से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या उससे मतलब है, इसलिए रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो डेल्टा एच को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा यू जितने भी स्टेट फंक्शन है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ पे डिपेंड नहीं करते, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। सिमिलरली पॉइंट नंबर थ्री, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ए से बी प्रोसेस का डेल्टा एच एक्स है, तो बी से ए रिवर्स प्रोसेस का वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन, तो ये ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर ए से बी का डेल्टा एच एक्स है, तो अगर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे यहाँ आपने टू से मल्टीप्लाई किया तो ये भी टू एक्स हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना, अभी यूज भी करेंगे, वेरी सिंपल है, सारे स्टेट फंक्शन में ऐसा होगा, ये भी ध्यान रखना। सिमिलरली कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा बोले हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर इतना बोल दिया है डैट मीन्स वो डेल्टा एच बोलना चाह रहा है इनडायरेक्ट वे में, डैट इज हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इंथैल्पी एंड हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी, राइट। डेल्टा यू को डेल्टा ई भी लिख सकता है, दोनों बात सेम है, ध्यान रखना। सिमिलरली पॉइंट नंबर थ्री, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, किसी दो तीन रिएक्शन का डेल्टा एच दे देगा और तीसरी रिएक्शन का पूछा जाएगा। वेरी सिंपल, आपको देखना है कि इस रिएक्शन को कैसे आप अरेंज कर लो कि ये रिएक्शन आ रही है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये रिएक्शन आ जाएगी, ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ए प्लस सी गिव्स यू टू सी, ऐड किया तो इसका भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इसका एडिशन, वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो सिर्फ इन दोनों के प्लस में क्या लग जाता, माइनस साइन, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं। तो ये पॉइंट सब ध्यान रखना है, काफ़ी बार यूज़ किया गया और बहुत ईजी होते हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन का सीन नहीं है, एकदम ईजी है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम अप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ अप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर वन में आपको ये चार रिएक्शन गिवेन है और इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा गया। मैं हर टाइप का एक एक प्रॉब्लम करा देता हूँ, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम आपको पी वाई क्यू में मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखो, हमें मेन रिएक्शन को टारगेट करना है, एच टू ओ हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट, रिएक्टेंट साइड में, जबकि यहाँ पे एच टू ओ प्रोडक्ट साइड में, तो इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें माइनस लगा हुआ है, उल्टा करेंगे तो एक और माइनस साइन तो प्लस में हो जाएगा, राइट। तो उस रिएक्शन का डेल्टा एच आपका हो जाएगा 242। उसके बाद हमें एच राइट साइड में चाहिए, ओ एच राइट साइड में, तो यहाँ एच राइट साइड में है और यहाँ ओ एच राइट साइड में, मतलब इस रिएक्शन को ऐसे ही रखना है, बट यहाँ पे एच का कॉफिशियंट 1 चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है 2, इसका मतलब इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, राइट। तो वो डेल्टा एच कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो तो 39, और इस रिएक्शन को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना हो जाएगा, 218। अब अगर मैं ऐसे करके ऐड कर दूं तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगी, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा आपका, 499। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना हो गया, 499। ऐसे करना बेटा एकदम सिंपल वे में, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जस्ट मैंने एक टाइप लिया। वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। 17 ग्राम अमोनिया कम्प्लीटली वेपोराइज हुआ तो इस टेम्परेचर पे और इतने बार प्रेशर पे, तो इंथैल्पी चेंज आपको गिवन है 23.4 किलो जूल पर मोल, तो इंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 85 ग्राम का बताओ। इस टाइप के बहुत सारे मिल जाएंगे, ध्यान से देखना, ये प्रेशर ये टेम्परेचर इन सब का कोई यूज नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, इसलिए बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं, इसका यूज ही नहीं किया, उससे मतलब नहीं, हमें डेल्टा एच गिवन है इंथैल्पी, लेकिन ध्यान दे कितने, 17 ग्राम अमोनिया का, 17 ग्राम अमोनिया का मतलब क्या हो गया, 1 मोल, राइट। कैसे,
17/17, तो 1 मोल का आपको गिवन है, तो कितना है डेल्टा एच 23.4 किलो जूल, ये 1 मोल का। हमें कितना पूछा गया है 85 ग्राम, तो मोल्स निकाल सकते हैं 85/17, तो कितना हो गया 5 मोल्स। तो अब देखो ये बच्चों वाली चीज़ हो गई कि नहीं, एक मोल का अगर 23.4 है तो 5 मोल्स का क्या हो जाएगा 5 × 23.4 डेट इज 117 किलो जूल, ये हो जाएगा आंसर। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुल्ली रीड कर लेना, मास उस गिवन हो तो वो उतने का है, तो नेक्स्ट मास गिवन हो तो मोल्स निकाल लो उसका कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये सब कैसे हैं, स्टेट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 298 केल्विन पे डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ एक्स इज गिवन टू यू एंड डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ एक्स इज गिवन टू यू, डेल्टा एच सब्लिमेशन निकालना है। तो यू नो सब्लिमेशन मतलब क्या हो गया कि एक्स सॉलिड को एक्स गैस में ले जाना है, इसका निकालना है। तो इसको हम इनडायरेक्ट वे में भी ले जा सकते हैं, कैसे, एक्स सॉलिड से पहले क्या निकाल लेंगे एक्स लिक्विड, डैट इज फ्यूजन जो आपको गिवन है 2.8, फिर x लिक्विड को x गैस में डेट इज वेपराइजेशन गिवन है 98.2। चूँकि डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस ये सब स्टेट फंक्शन है तो ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो सॉलिड टू गैस हम ऐसे भी जा सकते हैं या सॉलिड टू गैस ऐसे भी जा सकते हैं, दोनों का डेल्टा एच सेम होगा, इसलिए डेल्टा एच कितना हो जाएगा 101। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हीट ऑफ कम्बशन ऑफ इथेनॉल गिवन टू यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बताना है एट 27 डिग्री सेल्सियस और कैलोरी में। तो ध्यान दो पहले पॉइंट पे, कम्बशन इथेनॉल का लिखना है तो C2H5OH, चूंकि इथेनॉल अल्कोहल है लिक्विड फेज में मिलेगा इसलिए L रखना है, क्यों, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस है। प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर, वाटर भी आपका क्या रहेगा लिक्विड में, क्यों, क्योंकि 27, अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो इसको फिर गैस में रखना पड़ता। तो ये सब पॉइंट पे ध्यान देना है, रिएक्शन बैलेंस करना है, दो कार्बन है तो दो, आपको चोर वर्ड बता रखा हूँ, फिर हाइड्रोजन यहाँ टोटल 6 है तो यहाँ 3, इधर ऑक्सीजन 4 और प्लस 3 7 हो गया है, जबकि इधर ऑलरेडी 1 है, राइट। तो यहाँ पे हमें कितना लेना पड़ेगा 3, 6 और 1, 7, और इधर 4 और 3, 7, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गए, इसलिए इसका डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी कितना होगा ध्यान से देखो, अब ये लिक्विड है इसका नहीं लेंगे, ये गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो 2 माइनस, इधर ये गैस होगा तो 3, ये लिक्विड है नहीं लेना है तो ये आ गया -1। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में पॉइंट क्या मेंशन है, इथेनॉल का कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है वो डेल्टा एच होता है, वो कितना है माइनस में 327 किलो कैलोरी, हमें किस में निकालना है कैलोरी में, तो इनटू में 1000 इसको कर दो, इज इक्वल टू डेल्टा यू आपको निकालना ही है, डेल्टा एन जी माइनस में 1 है, आर की वैल्यू 2 कैलोरी, टेम्परेचर 300, राइट। तो अब यहाँ से देख लो डेल्टा यू आ जाएगा माइनस में 327 000 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 600, तो ये कितना आ गया ध्यान से देखो 326 400 माइनस में, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ऐसे करना, और क्वेश्चन को बेटा ध्यान में रखना, समझना है कि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। यहाँ पे जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू बताओ तो सिर्फ क्या हो जाता है डेल्टा एन जी आर टी, या डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ, इस टाइप से पूछ सकता है, या डेल्टा एच डेल्टा यू में कौन बड़ा होगा, राइट। तो फॉर्मूला जो है वो यही है, और इसको डिफरेंट वे में पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें अननोन क्या है डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा एन जी और टी, राइट। आर तो एक फिक्स वैल्यू है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट रिएक्शन का फिक्स ही होता है, तो इन चारों में से कोई 3 दे करके चौथा पूछ सकता है, इसलिए आपको केयरफुल रहना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 90 ग्राम वाटर अंडरगोज कंप्लीट इवेपोरेशन, और आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन गिवन है, दैट मीन्स वाटर लिक्विड से वाटर गैस, इसका डेल्टा एच आपको गिवन है 41 किलो जूल पर मोल, ये ध्यान रखना है एक मोल का गिवन है। तो अगेन वही फार्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इस केस में डेल्टा एन जी कितना हो गया 1, हमें क्या निकालना है इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू क्या हो गया डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी 1 है, तो 1 × R 8.314, टी टेम्परेचर 373, और ध्यान दें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा एच किलो जूल में, तो ये आप करोगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा
38 किलो जूल पर मोल। और कुछ बच्चे यहीं पे आंसर कर देते हैं, ये तो बेटा एक मोल का हुआ, आपसे पूछा गया 90 ग्राम वाटर का, मतलब 5 मोल्स का, तो इसलिए डेल्टा एच फॉर 5 मोल्स कितना हो जाएगा, 38 × 5 डेट इज 190 के आसपास। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कभी इसमें क्वेश्चन को केयरफुल्ली रीड करना और क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन बनाए रखना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस टू -5 डिग्री सेल्सियस इज, और ऑप्शन आपको गिवन थे, डेल्टा एच फ्यूजन गिवन है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वाटर लिक्विड का और सॉलिड का गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे देख करके छोड़ ही देते हैं। देखो बेटा कैसे करना है, सिंपल ट्रिक से। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 5 डिग्री सेल्सियस से मुझे कहाँ जाना, -5 डिग्री सेल्सियस में। तो पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, 5 से 0 डिग्री सेल्सियस में, जहाँ पे वाटर इक्विलिब्रियम में होगा, किसके साथ, लिक्विड एंड सॉलिड का इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो आप पहले तो हमें 5 से 0 चला जाऊंगा, 5 से 0 में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, मोल्स 1 है तो Cp × ΔT, राइट, यही था डेल्टा एच का फॉर्मूला, Cp ΔT। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, Cp आपको गिवन है 75.3 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 5। ध्यान दे यहाँ पे ये किलो जूल में और ये जूल में, बस यूनिट सबका ध्यान देना, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, ये कुछ भी वैल्यू आएगी, राइट, ध्यान से समझो। सिमिलरली डेल्टा एच मैं अगर 0 से -5 का निकालूं तो उसके लिए भी सीपी आपको गिवन है 36.8 × 5 और अगेन 1000 से डिवाइड करूंगा, तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और हमें यहां से यहां तक का निकालना है तो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि आपका ये वाला वैल्यू जो सम मान लेता हूँ ये एक्स, ये वाला वैल्यू वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस, जो बच्चे गलती करते हैं ये 6 किलो जूल, ये भी होगा, क्यों, क्योंकि ये वो केस है जहाँ पे पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, राइट, इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ये होंगे, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 6 से ज़्यादा होने वाला है, ध्यान से देखो ऑप्शन ऐसा एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, इसलिए बेटा अपने माइंड को वहाँ पे एकदम कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तो एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप के बहुत सारे मिल जाएंगे, ये एक रिएक्शन गिवन है, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, तो वी नो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट, डिफरेंस मतलब क्या हो गया, इधर ले आओ डेल्टा यू को, ये पूछा जा रहा है ये किसके बराबर है, डेल्टा एन जी आर टी, तो इनडायरेक्ट वे में डेल्टा एन जी आर टी पूछ रहा है, डेल्टा एन जी मैं निकाल सकता हूँ, यस, कितना हो जाएगा 1 इधर 1 और प्लस हाफ, राइट, तो कितना हो जाएगा माइनस में 0.5, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में 0.5 आरटी, ऐसे दे सकता है, या फिर और कैसे दे सकता था कि डेल्टा एच ग्रेटर है डेल्टा यू से, ऐसा चार ऑप्शन बना देगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेल्टा एच डेल्टा यू में से कुछ माइनस करने से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा एच से बड़ा है डेल्टा यू, ऐसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे पूछने के तरीके हो सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको क्लियरली ये सब आइडिया होना चाहिए। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, ये 5 आपको रिएक्शन दे दिया, और कितनी रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो ध्यान से देखो कैसे समझना होता है। यहाँ पे I2 गैस 2I में, मतलब आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी ये 2I मिलेगा, तो जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो अभी साथ हमें एनर्जी देना पड़ेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा, राइट, जैसे इसको ब्रेक करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसलिए ये इंडोथर्मिक हो जाएगी, हीट चाहिए। वैसे ही HCl में बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, उसको ब्रेक किया गया है तो ये भी इंडोथर्मिक हो जाएगा। वाटर लिक्विड को गैस में ले जाना है तो ये जनरल थिंग है, राइट, सब जानते हैं, लिक्विड को अगर गैस में ले जाना है तो हीट देना पड़ेगा, तो ये भी इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इस टाइप के कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन को बर्न कर रहे हो, तो कार्बन को जब भी बर्न करेंगे तो हीट रिलीज होगी, राइट, जहाँ पे भी कार्बन बर्न होता है तो आप दूर भागते हो क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है, तो ये इंडो नहीं होगा। डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, चूँकि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, तो डैट मीन्स वीक सॉल्ट हो गया एक तरीके से, तो इसको ब्रेक करने के लिए या डिजोल्व करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो ये भी इंडोथर्मिक हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएंगे 4। तो ये चीज़ पॉइंट में ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर टू, कभी कभी जो हीट कैपेसिटी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गिवन होगा, तो हम इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, डी एच इज इक्वल टू होता है एन सी पी डी टी, डिफरेंशियल फॉर्म में। इसी को इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो डेल्टा एच आ जाएगा, मोल्स एन कॉन्स्टेंट है, निकल गया सी पी डेल्टा टी का इंटीग्रेशन रहेगा। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे, एन बाहर रहेगा, सी पी आपका 23 प्लस 0.01 इंटू टी है, तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या हो जाएगा, एन 23 टी प्लस 0.01 टी स्क्वायर बाय 2, और आप लिमिट बैठा देंगे कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से देखो 300 से 1000, तो नीचे में 300 ऊपर में 1000, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो एन 3 मोल्स है, ये 23 टाइम्स ऑफ टी 1000 माइनस 300 कितना हो गया 700। ध्यान देना कि हमें जो पूछा गया आंसर वो किलो जूल में सब ऑप्शन है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करना नहीं भूलेंगे, राइट। प्लस यहाँ पे इसका कैसे करोगे, तो ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई रहेगा, राइट, और ये 0.01 1000 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 300 का स्क्वायर बाय 2, ये सब कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 62 के आसपास आपको आंसर आ जाएंगे। कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 63 मतलब 70 हो गया, तो 77 द 49, तो ऑलरेडी ये 49 है, राइट, ये वाली वैल्यू कैसे, तो ध्यान से देखो ये हो गया 70 इंटू 7 बाय 10, तो ये 49 है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो यही होगा। कभी भी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता बेटा, रफ़ी सर की तरह थिंक करना पड़ेगा। तो आई होप पूरा ये डेल्टा एच आपका क्लियर होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, आप ये सारे प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेना, और इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा, उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली और विद इन 1 मिनट में कर लोगे। तो अभी मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना बेटा और लिख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब हो गया मेजर ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस। कहने का सिंपल सा मतलब है कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड या सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना इजीली वो मूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकते हैं, उससे कम एंट्रोपी लिक्विड की होगी और सबसे कम सॉलिड की होगी। जस्ट समझने के लिए ये पॉइंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, तो डीएस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, राइट। उसके बाद ये इंटीग्रेशन का साइन है, क्यों, क्योंकि हमें चेंज चाहिए, तो डेल्टा एस हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे जो हीट लेना आपको वो कौन सा लेना है, रिवर्सिबल प्रोसेस का ओनली, इररिवर्सिबल का आप नहीं ले सकते, तो इस पॉइंट पे ध्यान रखना। कभी कभी चार ऑप्शन दे करके विच इज करेक्ट या विच इज इनकरेक्ट फॉर्मूला तो भी पूछा जा सकता है, तो हीट रिवर्सिबल प्रोसेस का लेना है, तो ये आपका हो गया राइट। अब इसके दो पार्ट बनेंगे, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और डी क्यू रिवर्सल का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सल बाई टी हो जाएगा, राइट। तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो फिर आपको जो हीट रिवर्सल प्रोसेस का उसको एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जा करके होगा। बट हम ये नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा, उससे आप किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक पॉइंट अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी का कैलकुलेशन चाहे वो नीट का एग्जाम हो या जेई का, आपको दो पार्ट में पूछा जा सकता है, एक आइडियल गैस के केस में आपको पूछा जा सकता है और एक फेज चेंज और केमिकल रिएक्शन में पूछा जा सकता है। तो आइडियल गैस के केस में वेरी सिंपल है, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू एन मोल्स हो गया, सी वी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ln मतलब नेचुरल लॉग है वो, और T फाइनल बाय T इनिशियल मतलब फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर, प्लस N मोल्स हो गया, R कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेना आपको, अगेन ln नेचुरल लॉग है, V फाइनल बाय V इनिशियल। तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो।
उसी एंट्रोपी को निकालने का एक और फॉर्मूला है एन सी पी, मतलब हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल वैसा ही है, एन आर एल एन। यहाँ पे ध्यान देना वॉल्यूम फाइनल ऊपर में था, यहाँ पे प्रेशर इनिशियल ऊपर में होगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर गिवन होगा तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। आइडियल गैस के केस में एंट्रोपी निकालने का बस यही फार्मूला, राइट। अब इसके डिफरेंट सब पार्ट हम बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आइसोथर्मल बोला तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा एन आर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, या फिर एन आर एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल, डिपेंडिंग कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आइसो बारिक हुआ तो प्रेशर कॉन्स्टेंट, ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा एन सी पी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। सिमिलरली आइसो कोरिक तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा एन सी वी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्यू ही जीरो हो गया, राइट, और क्यू जीरो हो गया तो एस भी जीरो हो जाएंगे, डेल्टा एस भी जीरो। तो इसलिए ध्यान देना कि आइडियाबेटिक प्रोसेस ही क्या है आइसो एंट्रोपिक, बट द कंडीशन इज कि हमने हीट कौन सा लिया रिवर्सिबल वाला, तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होगा, तो ये ध्यान रखना। और साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा एस जीरो, क्यों? क्योंकि इट इज ए स्टेट फंक्शन। तो ये सब पार्ट हमने बना दिया, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है। आइडियल गैस का जैसे क्वेश्चन आए आपको यहाँ से थिंक करना बेटर। सिमिलरली अगर हमें फेज चेंज में पूछा जाए तो वी नो फेज चेंज जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो डेल्टा एस जो हो जाएगा वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय टेम्परेचर हो जाएगा, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो जाता है डेल्टा एच के, एन्थैल्पी बाय टेम्परेचर। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे आपको, जब भी फेज चेंज होगा तो एंट्रोपी जो हो जाएगा वो डेल्टा एच बाय टी हो जाएगा। अब वो फेज कहाँ पर हो रहा है, अगर फ्यूजन में हो रहा है तो डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी हो जाएगा, वेपोराइजेशन में हो रहा है तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी हो जाएगा, सब्लिमेशन हो रहा है तो डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय टी हो जाएगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो फार्मूला है टोटल डेल्टा एस निकालने का। एक इनडायरेक्ट वे है, डेट इज डेल्टा जी गिस फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है डेल्टा जी दे दे डेल्टा एच दे दे तो आपको डेल्टा एस पूछा जा सकता है, तो इस फार्मूले से निकालना है। चूंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, वैसे इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में। तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा डेल्टा एच बाई टी, तो ये एक यूज कर सकते हैं समझ के बाद, या फिर डेल्टा जी डेल्टा एच दे दे तो यहाँ से डेल्टा एच निकाल सकते हैं, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे तो ये पॉइंट नंबर टू से, डेल्टा एस रिएक्शन का निकालना हो तो सेम वैसे ही जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है उस प्रोडक्ट के मोलर एंट्रोपी से, एक मोल का एंट्रोपी आपको गिवन होगा उसके स्टॉइकोमेट्रिक से मल्टीप्लाई करके सारे प्रोडक्ट का सम कर लेना है, माइनस वैसे ही रिएक्टेंट में जो जो होंगे उसके स्टॉइकोमेट्री और उसकी मोलर एंट्रोपी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके सम कर लेना, मतलब ऐड कर लेना, और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देना, यू विल गेट एंट्रोपी। तो इस पे बेस भी प्रॉब्लम आते हैं, इस पे तो रहते हैं बेटा, इस पे भी रहते हैं और आइडियल गैस पे भी। तो अब मैं सबका आपको एक एक प्रॉब्लम कैसे करना है एप्लीकेशन में बताता हूँ। नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और अगेन डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल गैस के केस में अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है रैंडमनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका क्या होंगे दूर दूर भागेंगे, राइट। सिमिलरली प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो ये ध्यान देना। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपने ज़्यादा स्पेस दे दिया मूव करने को तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, मोल्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। सिमिलरली एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वही आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्यू जो हो गया वो जीरो हो गया तो डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेल्टा एस इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी था, राइट, और डी क्यू को क्या ले सकते हैं एम एस डी टी और बाई टी, एम तो आपका मोल या मास हो जाएगा जो बाहर आ जाएगा, एस जो स्पेसिफिक हीट है तो वो भी बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ही रहता है मोस्टली, तो डी टी बाई टी एल एन टी हो गया। अगर लिमिट पुट कर देंगे टी इनिशियल से टी फाइनल तो एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नाउ फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन में आप कैसे पता करेंगे डेल्टा एस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो वेरी सिंपल, अगर डेल्टा एन जी
नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट गैस वाला सबका ऐड कर लेना माइनस स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट गैस वाला उसको माइनस कर देना राइट। बट अगर डेल्टा एनजी जीरो है किसी रिएक्शन का तो डेल्टा एस कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी, स्मॉलर भी और जीरो भी हो सकता है। तो वी कांट से एनीथिंग, वो डिपेंड करेगा कि आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वैल्यू क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। बट इन दोनों केस में श्योर है, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। और एंट्रोपी ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका एब्सोल्यूट डिफाइंड है, क्योंकि वी नो एट 273 डिग्री सेल्सियस या फिर जीरो केल्विन पे जो एंट्रोपी होता है वो जीरो होता है, तो इसलिए इसका एब्सोल्यूट भी डिफाइंड है और चेंज भी डिफाइंड है। बट रेस्ट जो बचे हुए हैं थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी लाइक एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिफ्ट एनर्जी, इन सब का एब्सोल्यूट डिफाइंड नहीं है, ऑलवेज हम चेंज डिफाइंड करते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं डिफाइंड है, कोई रेफरेंस ले तो उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वैसे यहाँ पे बट ये एब्सोल्यूट डिफाइंड है। तो ये सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में 30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ NaCl। डेल्टा एस एट मेल्टिंग पॉइंट इज गिवन टू यू, जूल पर केल्विन में है एट 1 atm, मेल्टिंग पॉइंट NaCl का बताना है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आइडियल गैस का है, फेज चेंज का या केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात क्या है, तो फेज चेंज है, डेट मीन्स NaCl सॉलिड जो था वो किस में जा रहा है, NaCl लिक्विड में। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट की बात। तो इतना जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 mole ऑफ NaCl, तो आपको क्या क्या गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, कितना हो गया 30.4 किलो जूल, ध्यान देना ये है किलो जूल में राइट। और आपको क्या गिवन है, डेल्टा एस भी गिवन है, कितना 28.4 जूल्स है, ये ध्यान देना है। चूंकि ये जो रिएक्शन होगी सॉलिड से लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम पे होगी राइट, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, या फिर आपको फेज चेंज बता रखा हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मेल्टिंग पॉइंट वाला बाय टेम्परेचर टी राइट। तो आपको ये डेल्टा एस गिवन है कितना 28.4 इज इक्वल टू डेल्टा एच मेल्टिंग गिवन है, बस यूनिट का ध्यान रखना है, ये किलो जूल में तो इंटू 1000 करना पड़ेगा बाय टेम्परेचर टी, तो यही टी नहीं करना तो क्या हो जाएगा 30.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 28.4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1070 केल्विन। तो देखो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर टू में एंट्रोपी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज इंक्रीज बाय दिस, ये एंट्रोपी गिवन है आपको, डैट मीन्स डेल्टा एस आपको गिवन है 0.836 जूल पर केल्विन। और ऑन एडिंग रिवर्सिवली, ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, इतना जूल ऑफ हीट, तो डैट मीन्स क्यू आपको रिवर्सल प्रोसेस का गिवन है कितना 0.344 जूल्स। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी कांस्टेंट है, तो फिर अगेन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी राइट, क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और डी क्यू रिवर्सल का इंटीग्रेशन क्यू रिवर्सल हो जाएगा। इसमें सब गिवन है, पूछा क्या है टेम्परेचर, तो अगेन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्यू रिवर्सिबल बाय डेल्टा एस, क्यू रिवर्सिबल आपको गिवन है कितना हो गया 0.3344 बाय 0.836। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट से अगर यहाँ यह करोगे तो यहाँ पर यह होगा, अभी ये नीचे वाला बड़ा और ये छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता था, और ये 8432 आएगा, डेट मीन्स 0.4 केल्विन। ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है, ध्यान से देखो मैं कैसे करता हूँ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 moles ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 dm³ टू 100 dm³ एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया आइडियल गैस है और उसका एंट्रोपी चेंज निकालना है। ध्यान दें आइसोथर्मल है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, और वॉल्यूम गिवन है तो NrLnV final by V initial, यहाँ पे पुट कर दो, n कितना मोल्स 2, r कितना हो गया 8.314, नेचुरल लॉग है, इसको लॉग विथ बेस 10 में ले जाएंगे तो 2.3 मल्टीप्लाई होगा, और लॉग ऑफ वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया 100 बाई 10, तो ये लॉग 10 1 हो जाएगा, इसलिए 2 इंटू
8.314 इंटू 2.3। अब पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ध्यान से देखो यहाँ तक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 16.6 इंटू 2.3 हो जाएगा। मतलब ये 35 से ज़्यादा आने वाला कैसे, क्योंकि 16 टू द 32 तो वो हो गया, और 16 थ्री द 48 जो प्लस 5 आ रहा है अप्रॉक्स, तो 37 मतलब 38 के आसपास वाला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मोल है आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर इन 2 लीटर वेसल में रखा हुआ है। ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल, वर्ड लगाना है क्योंकि हीट हमें रिवर्सिबल प्रोसेस का चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ 2 लीटर टू 3 लीटर अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ दिस, तो डेल्टा एस सराउंडिंग बताना है। तो अगेन वही हो गया, डेल्टा एस अगर मैं निकालना चाहूँ तो वेरी इजिली निकाल सकता हूँ, चूँकि ये आइसोथर्मल है तो सेम वही वॉल्यूम गिवन है, तो एन आर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। मोल्स 1 है, आर 8.314 है, एल एन ऑफ वी फाइनल इज 3/2, तो 1 इंटू 8.314 नेचुरल लॉग को लॉग विथ बेस 10 में, तो 2.303 राइट, और लॉग 3 माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 2। लॉग 3 आपको मालूम है 0.48, लॉग 2 होता है 0.30, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 8.314 2.303 इंटू 0.8। अब इसको आपको नियरेस्ट इंटीजर में बताना था, ये अप्रॉक्स में ये आंसर आ जाएगा आपको नियरेस्ट इंटीजर में 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये आइडियल गैस पे बेस्ट स्टेप से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए गिव्स यू बी एट 300 केल्विन, डेल्टा जी इस रिएक्शन का गिवन था और डेल्टा एच गिवन था, ध्यान देना किलो जूल में था वो, डेल्टा एस जूल पर मोल पर केल्विन में, यूनिट का ध्यान रखना है। तो रिएक्शन के केस में आपको बता रखा हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस आपको निकालना, बाकी वैल्यू गिवन है। डेल्टा जी कितना है ध्यान से देखो, माइनस में 49.4 इंटू 10^3 किलो जूल में, तो जूल में मैं ले आया, इज इक्वल टू डेल्टा एच आपको गिवन है 51.4 इंटू 10^3 किलो जूल में था तो जूल में ले आया, माइनस में टी टेम्परेचर आपको 300 और डेल्टा एस, तो यहाँ से निकल जाएगा डेल्टा एस। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 51 और 49 100 और ये 0.8, तो ये माइनस में 100.8 इंटू 10^3 राइट इज इक्वल टू माइनस में 300 इंटू डेल्टा एस, तो यहाँ से डेल्टा एस कितना हो जाएगा, 100.8 इंटू 10^3 बाय राइट, तो अप्रॉक्स आपको इसको 100 ले सकते हो राइट, तो ये दो जीरो से इसका चाहो तो इधर कैंसिल कर दो, तो ये सिर्फ 10 बचेगा, और इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स में 336 आ जाएगा आपको आंसर, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एंट्रोपी CH4O2 CO2 और H2O का गिवन है रिएक्शन का, तो इसी टाइप के बारे में बात कर रहा था मैं। तो रिएक्शन का हम कैसे लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट की एंट्रोपी, प्रोडक्ट में कौन कौन है, वाटर, वाटर का आगे का कोफिशिएंट 2, तो इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, ये नहीं कि जितना वैल्यू दिया उतना ही लेना है, इसको कितना ले लोगे 70 टू द 140। उसका CO2 का चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से रहने दो, 213 है तो आप 210 ले लोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ऑप्शन गिवन है। सिमिलरली O2 के आगे कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 410 राइट, और CH4 के आगे कोफिशिएंट 1 है तो ये रहेगा आपका 186, जिसको आप 186 रहने दो या 190 ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो क्या क्या करना है आपको, 140 प्लस 210 माइनस रिएक्टेंट में 410 प्लस 186, तो ऑब्वियस बात है आंसर माइनस माने वाला, सारा ऑप्शन माइनस में ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया, ये 350 हो गया माइनस ये 410 और प्लस 186, ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ऑलरेडी ये मेरा कितने में आ रहा है, माइनस 60, और उसमें भी माइनस 186 ऐड करना है, तो डेफिनेटली ये 240 के आसपास आ रहा है, ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, बस अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर करके आंसर तक पहुंचना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 5 ये गिवन थे, किसमें डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, तो यू नो वाटर था, आइस मतलब सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो रैंडमनेस कम होगी, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएंगे।
फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस अगेन दिस टेम्परेचर पे, तो इसमें भी डेल्टा एस नेगेटिव होगा। एन टू थ्री एस टू टू एन एस थ्री, रिएक्शन के केस में आपको कैसे बोला था डेल्टा एन जी, तो इसका टू माइनस थ्री और वन फोर, तो टू माइनस फोर माइनस आ गया, तो माइनस है तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, तो ये भी हो जाएगा। एडजॉर्प्शन ऑफ सी ओ ऑन लैट सरफेस, तो एडजॉर्प्शन से पहले सी ओ आपका फ्री था मूव करने के लिए, लेकिन जब वो एडजॉर्ब हो जाएगा तो उसकी रैंडमनेस कम हो जाएगी, तो ये भी हो जाएंगे। और ई डिजोल्यूशन ऑफ एन एस एल इन वाटर, वाटर में जब एन एस एल को डालोगे तो सॉलिड था वो एक्वस में, तो राइट, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो ये चार ऑप्शन होंगे। तो इस तरह के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर एट में किसमें एंट्रोपी नेगेटिव होगा, तो अगेन डेल्टा एन जी, यहाँ पे ध्यान से देखो नेगेटिव आ रहा है माइनस टू, तो यही ऑप्शन हो जाएंगे। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगेन वाटर में डाल रहो तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे गैस मिल रहा है, डेल्टा एन जी इसका पॉजिटिव है वन। और ये सब्लिमेशन मतलब क्या हो गया कि आयोडीन जो सॉलिड में था उसको डायरेक्ट आप आयोडीन गैस में ले जा रहे हो, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर नाइन में किसमें एंट्रोपी नेगेटिव होगा, डायमंड से ग्रेफाइट में अगर जा रहा है तो यू नो कि ग्रेफाइट की रैंडमनेस ज़्यादा होती है। अगर बाय द वे ये नहीं भी मालूम है तो ये देखो प्रेशर क्या हुआ 1 एटीएम से 5 एटीएम, प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल क्लोजर हो जाएंगे, तो डेल्टा एस इसी का नेगेटिव होगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यहाँ पे एच टू जो एक तरह से कंबाइंड थे बॉन्ड के थ्रू, अब उसको 2H एटॉमिक फॉर्म में कर दिया तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा गलत ही करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 केजी आइस था जो 273 केल्विन पे था, उसको 1 केजी वाटर वेपर में 383 केल्विन पे ले जाना है, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज क्या होगा, और ये सब आपको गिवेन था और ऑप्शन भी गिवेन थे। तो यहाँ पे जो गलती होती है वो ध्यान से समझना है, वो गलती आपको नहीं करना है। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा, राइट, कैसे होगा, जो वाटर आपका आइस था बेटा, राइट, पहले वो कहाँ चला जाएगा, वाटर लिक्विड में, बट यू नो इस कंडीशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेट इज फ्यूजन या मेल्टिंग। अगर ये 273 पे तो ये भी 273 पे, क्यों, क्योंकि ये चीज़ आप प्रैक्टिकल फील कर सकते हो, आइस को लो और उसको हीट करो तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि वो हीट कहाँ चले जाते हैं उसको मेल्ट करने में, राइट, तो यहाँ तक कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर H2O लिक्विड से H2O गैस बनेगा, तो ये कहाँ पे जा करके 373, राइट, फिर से यहाँ पे H2O गैस पूरा का पूरा आपका वाटर जब तक गैस में कन्वर्ट नहीं होगा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, डेट इज कॉल्ड इनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा H वेपोराइजेशन, और ये हो गया डेल्टा H फ्यूजन। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये सब जो हिडन इंथैल्पी है उसका ध्यान रखना, और फिर ये H2O गैस को फिर से H2O गैस में ले जाना, बट कहाँ पे 383 केल्विन पे, ये अभी कहाँ पे था 373 केल्विन पे, तो इतना प्रोसेस है। अब यू नो कि यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है और ये भी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है, तो पहले इन दोनों का मैं एंट्रोपी निकाल लूँ, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी, राइट, डेल्टा एच फ्यूजन आपको गिवन था 334 बाई टेम्परेचर 273, तो अब ध्यान से देखो तो ये अप्रॉक्स में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, 1.3 में मान लेता हूँ, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस प्रोसेस का डेल्टा एच निकालूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी, डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको गिवन था 249 बाय 373, तो अब ध्यान से देखो तो ये अप्रॉक्स में 7 पॉइंट समथिंग होगा, राइट, तो हमें क्लियर आइडिया पता लग रहा है कि ये वैल्यू 8 से ग्रेटर होगी, राइट, अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन हमारे पास ऐसा एक ही है 9.26, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस इसका भी जोड़ना मत भूलना, और इसका कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका एन 1 केजी है तो एम 1 सीपी आपको गिवेन है, राइट, सीपी कितना है H2O लिक्विड का 4.2 और ln ऑफ T2 बाई T1 मतलब वही कितना हो जाएगा 373 बाई 273, इसलिए ये लॉग की ये सब वैल्यू आपको गिवेन है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी कुछ वैल्यू ऐड होगा, तो ये ऐड कर करके अप्रॉक्स 9 तक पहुंच जाएगा, इसलिए ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
कि जो एंट्रोपी है उससे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, डेट मीन्स वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके बारे में पता लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए आपको एंट्रोपी किसका मालूम होना चाहिए, यूनिवर्स का, जो अपने आप में एक बहुत ही टफ काम है, क्योंकि यूनिवर्स छोटा नहीं बेटा, राइट। सिस्टम को छोड़ करके जो भी बचा वो यूनिवर्स है, तो उसकी एंट्रोपी निकालना बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट यू कैन से कि इम्पॉसिबल ही है। तो इसलिए हम स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया में इसको यूज नहीं करते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, बट ध्यान रहे यूनिवर्स का, सिस्टम का नहीं, इस पॉइंट पे ध्यान रखना आपको। यूनिवर्स का अगर निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेट मीन्स वो रिएक्शन खुद से नहीं होगी, और अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम पे है। तो ये पॉइंट है यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए एंट्रोपी से हम स्पॉन्टेनिटी को नहीं बताते हैं, किससे बताते हैं, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी से। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी जो सिस्टम का होता है वो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव, इसलिए इस केस में हम बोलते हैं डेल्टा जी सिस्टम का अगर स्मॉलर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी सिस्टम का अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर जीरो है सिस्टम का तो फिर इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम का डेल्टा जी निकालना इजी है, इसलिए इसके आगे रिक्वायरमेंट भी पड़ी, तो ये ज्ञान की बात में इंपॉर्टेंट है। तो आई होप एंट्रोपी का जितना भी पॉइंट था सब हमने डिस्कस कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं है, जितने भी प्रॉब्लम हमने लिए हैं सब PYQ थे। अब आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, और ये थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 70% चांसेज होते हैं कि क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। इसलिए अभी मैं जो आपको ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट दूंगा उसको अच्छे समझना है, क्योंकि वो समझ गए तो आपके इस चैप्टर से गिब्स फ्री एनर्जी पे आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप विद इन 1 मिनट में और बहुत इजीली कर लोगे। तो अभी मैं जो बताऊंगा बस वही इम्पोर्टेंट है, उसको ही समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक डिराइव फंक्शन है, डैट मीन्स वो इंटर्न डिपेंड करता है किस पे, इंथैल्पी पे और एंट्रोपी पे, इसलिए G=H-TS, राइट। अगर चेंजेस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये ध्यान रखना। ये जो पावर जीरो लगा हुआ है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन है, और स्टैंडर्ड कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, अगर कोई लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस है तो उसका प्रेशर 1 bar मेंटेन करना है, और अगर लिक्विड है कंसंट्रेशन ले रहा हो तो 1 molar, गैस है तो पार्शियल प्रेशर 1 bar होना चाहिए। टेम्परेचर पे कोई कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता है तो जनरली हम 298 केल्विन लेते हैं, जिसको आप 300 केल्विन भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ, और अगर ये नहीं लगा हुआ है पावर जीरो तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया, डैट मीन्स इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, लाइक कंसंट्रेशन 1 molar नहीं है, उसको छोड़ करके कुछ भी है, तो ऐसा अगर हो गया, या प्रेशर 1 bar नहीं है तो उसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे, और फार्मूला सेम रहेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान रहे डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस ये सब किसका होता है, यहाँ पे सिस्टम का होता है, सराउंडिंग का नहीं, ये सब सिस्टम के हैं, और यहाँ पे पावर जीरो नहीं दिखाया है तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, डैट मीन्स स्टैंडर्ड को छोड़ करके बाकी किसी भी कंडीशन में। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और यही रफी सर का ट्रिक है कि विनो की इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होगा, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जीरो नहीं होता, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो डेल्टा जी जब जीरो होगा तो आपको ये 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम, तो डैट मीन्स इक्विलिब्रियम वर्ड बोलते ही डेल्टा जी जीरो कर दोगे, टी डेल्टा एस की वैल्यू किसके बराबर जाएगा, डेल्टा एच, आपको बोलना चाह रहा है इनडायरेक्ट वे में डेल्टा एच निकालना है, या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताओ तो डेल्टा जी जीरो पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस का रेशियो बताना है, टी इक्विलिब्रियम कहीं पे बोल रहा है मतलब ये निकालना है, ध्यान से समझो ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है और यही कॉन्सेप्ट है। या फिर आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे दे तो डेल्टा जी फाइंड आउट करने को बोल सकता है, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके पास
अननोन है, उसमें से कोई भी दो देकर के तीसरा पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। या टेम्परेचर की वो कंडीशन जिसके अराउंड स्पॉन्टेनिटी चेंज होगी, दैट मीन्स उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तो ये भी यहीं से आप करेंगे। तो ये इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, इसको कैसे यूज कर सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो डेल्टा जी जब निगेटिव होगा, ध्यान दें डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी जब निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम, राइट। अब अगेन वही डेल्टा एच और डेल्टा एस की कंडीशन को लेकर करके आपको पूछ सकता है कि किस केस में स्पॉन्टेनियस होगा, किस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक और यूज कर सकता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूब होता है। यहाँ पे डेल्टा जी नॉन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड वाला है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, नेचुरल लॉग क्यू ये रिएक्शन कॉन्स्टेंट। क्यू कैसे डिफाइन करते हैं आपको मालूम ही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जितने भी होते हैं टू दी पावर स्टॉइकोमेट्री बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर स्टॉइकोमेट्री, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से आप जानते हो, वही क्यू है ये। तो अगेन अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूँ तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो एल एन के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट बाय आर टी के। तो अगेन इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बाय आर टी तो रहेगा ही, राइट, ध्यान रखना माइनस रहेगा, लॉग है ये नेचुरल लॉग, तो इसको 2.303 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पूछा जा सकता है। या फिर के इक्विलिब्रियम निकालो, डेल्टा जी नॉट अगर आपको गिवन होगा तो पुट करके के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, ई की पावर हो जाएगा, या फिर आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ही पूछ ले डेल्टा जी नॉट आर टी दे करके, समझ रहे हो बात, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू बाई के इक्विलिब्रियम भी लिख सकता हूँ मैं। तो इन सब पे बेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मेजर जो फॉर्मूला रहेगा हमारा यही रहेगा, उसको डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। एक और तरीका डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कई बार पूछा जा सकता है कि डेल्टा जी रिएक्शन का बताओ, तो उसके लिए डेल्टा एच रिएक्शन मालूम होना चाहिए और डेल्टा एस रिएक्शन, इसके बारे में पर्टिकुलरली मैं बता रखा हूँ इंथैल्पी वाले में और इसके बारे में एंट्रोपी वाले में कि रिएक्शन का कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से निकाल करके यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा जी आ जाएगा। या फिर अगर आपको सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आपको गिब्स फ्री एनर्जी दे दे, तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इंटू स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, उन सारे को ऐड कर लो, सम कर लो, डैट माइनस फिर से अगेन स्टॉइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उन सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो और दोनों को माइनस कर दो, तो वहाँ से भी रिएक्शन का आ जाएगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसा कि हमने डेल्टा एच में डेल्टा एस में ऐसा किया है, या फिर चूंकि डेल्टा एच डेल्टा एस निकालना हम सीख गए तो हमसे डेल्टा जी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका मेजर पॉइंट, बस इसको समझ लेना है और इससे बाहर कुछ नहीं है। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में आपको ये रिएक्शन गिवन था और बोल रहा था कि हीट मेजर्ड इन बॉम कैलोरीमीटर इज 1406 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो फिर से वही पॉइंट कि वी नो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम बोला, तो डेल्टा जी क्या हो गया जीरो, राइट। तो इसलिए डेल्टा एच ही किसके बराबर है, टी डेल्टा एस, तो आपसे टी डेल्टा एस पूछा मतलब डेल्टा एच निकालना है। और डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कभी भी बॉम कैलोरीमीटर हो तो उसकी जो भी हीट होती है वो डेल्टा यू है, तो आपको डेल्टा यू गिवन है कितना 146 किलो जूल। अब ये प्लस लेना या माइनस, तो ध्यान से देखो ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन, तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो ये माइनस में रहेगा, राइट। तो डेल्टा यू आप पुट कर दो माइनस में 1406 किलो जूल में, ध्यान देना डेल्टा एन जी तो लिक्विड का नहीं लेते हैं तो सिर्फ गैस का, तो ये 2 और इधर 3 और 14, 2 माइनस 4 तो ये माइनस 2 आर 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, ये जूल्स में आएगा, किलो जूल्स में, क्योंकि ये किलो जूल्स में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा माइनस में 1406 और माइनस में 5 किलो जूल, तो ये कितना हो गया आंसर, माइनस में 1411 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा, इंटीजर टाइप में पूछा गया था, तो ऐसे आपको सोचना बहुत ईजी है।
क्वेश्चन नंबर टू में अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू ऑफ लॉग के, ध्यान देना लॉग नेचुरल लॉग नहीं है, लॉग है मतलब विथ बेस 10 है, फॉर दिस रिएक्शन 298 केल्विन पे डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट गिवन है। तो वी नो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम साइंस से पता लग रहा है राइट। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था, डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और इक्विलिब्रियम की बात हो रही है कैसे पता लग गया, इक्विलिब्रियम का साइन है तो डेल्टा जी अगेन जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, ध्यान रहे ये एल एन के इक्विलिब्रियम, हमें लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में 2.303 आर टी, अब ये लॉग के इक्विलिब्रियम, इसकी पूरी वैल्यू निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बाई दिस। डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैसे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, डेल एच नॉट आपको गिवन है माइनस में 54.07, ध्यान रहे अगेन किलो जूल में, यूनिट का ध्यान रखना है, माइनस टी टेम्परेचर कितना 298 केल्विन है, डेल्टा एस कितना 10, ध्यान रहिए जूल्स में आ जाएगा लेकिन हमें किलो जूल में ले जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आप कर लो, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये आ जाएगा 2.98 और इसमें ये जोड़ोगे तो ये माइनस में 57.05 किलो जूल आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट आपको आ गया है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, कैसे तो आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना पड़ेगा डेल्टा जी नॉट माइनस में 5705 में डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2.303 आर 8.314 और टी 298, इसलिए इसकी वैल्यू आपको गिवन था एग्जाम में कि ये इतना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये किलो जूल में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा 10, तो इंटीजर टाइप में था तो आंसर कितना हो जाएगा 10। तो ऐसा नहीं कि टफ होता है, बस जो आपको बताया अभी बस वो ध्यान रखना है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको डेल्टा एच किलो जूल में और डेल्टा एस जूल में एट 300 केल्विन गिवन था, कितने प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, तो फार्मूला वही है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब ये जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो राइट, और ये कब हो सकता है तो ध्यान से चेक करो, पहले केस में डेल्टा एच आपका क्या है निगेटिव में 25 किलो जूल, माइनस टी 300 और डेल्टा एस भी माइनस में, ध्यान से देखो तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना आ रहा है, तो ध्यान से देखो ये किलो जूल में ले जाना मत भूलना, तो ये 30 से 30 कैंसिल, तो ये 24 आ जाएगा और ये माइनस में 25 है, तो अभी भी ये माइनस में 1 रहेगा जो कि लेस देन 0 है, तो इस केस में तो रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस। अगर यहाँ पर डेल्टा एच निगेटिव है और ध्यान से देखो डेल्टा एस पॉजिटिव है, उसके आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल निगेटिव रहेगा, दोनों निगेटिव हैं तो ऑब्वियस बात है निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे भी रिएक्शन आपकी क्या रहेगी स्पॉन्टेनियस। हमें नॉन स्पॉन्टेनियस पहचानना मतलब डेल्टा जी को पॉजिटिव करना है। इस केस में ध्यान से देखो 25 ये प्लस में डेल्टा एच और ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 ही होगा, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आएंगे। इस केस में ध्यान से देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 × 300/1000, ये करना नहीं बोलेंगे क्योंकि ये किलो जूल में है तो ये भी होना चाहिए 1230 से, तो ये 6 आ रहा है, तो ध्यान से देखो तो 22 − 6 ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस में 16, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये बेटा एक टाइप है, इसको डिफरेंट वे में बहुत तरीके से पूछ सकता है, इसलिए समझ जाना है कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तभी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी आपका स्पॉन्टेनियस। उसके लिए कंडीशन क्या है, तो वेरी सिंपल है, डेल्टा जी आपका ऑलवेज नेगेटिव कब हो सकता है, जब डेल्टा एच भी नेगेटिव हो राइट, और माइनस टी डेल्टा एस है और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो, तो इस केस में टेम्परेचर पे नो कंडीशन, क्यों, क्योंकि ऑलवेज कोई भी टेम्परेचर रखो ये नेगेटिव है
और चूंकि इसके बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो इसलिए अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल नेगेटिव, तो किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। वैसे ही डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो, तो अगेन टेम्परेचर पे नो कंडीशन, कोई भी टेम्परेचर हो रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये माइनस होने की वजह से ये माइनस की वजह से पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव। उसके बाद जो दो केस बचते हैं उसमें ही टेम्परेचर का सीन आएगा, अगर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाए तो, या फिर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो जाए तो ही टेम्परेचर की कंडीशन आएगी, और उसके लिए आपको ऐसे चेक करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, डेल्टा एच 298 पे, टी बताना है इक्विलिब्रियम कब ये अटेंड करेगा। तो वही इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान से देखो, सब में मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम बोला तो इसको जीरो करना है, मतलब डेल्टा एच किसके बराबर होना चाहिए, टी डेल्टा एस। तो ये टेम्परेचर कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम वाला, यही निकालना है। तो टी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच आपको गिवन है, ध्यान रहे 165 किलो जूल है तो उसको जोल्स में ले गया, और डेल्टा एस आपको गिवन है कितना 550 जूल में ही है, राइट। और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अगर ध्यान से देखो ये जीरो से ये 15 में 3 टर्म्स में, तो 300 केल्विन आ जाएगा वो टेम्परेचर जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा। ये बाउंड्री टेम्परेचर हो गया, राइट। इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारा स्पॉन्टेनिटी चेंज होगा। जैसे अगर ध्यान से देखो डेल्टा एस नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और ये डेल्टा एच कितना था, माइनस में 165, तो अगर टेम्परेचर 300 से कम होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेल्टा जी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो टेम्परेचर 300 से कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपका 300 से ज़्यादा हो गया तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि ये फिर पॉजिटिव वाला वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला कम, तो डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस टाइप के भी फर्दर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ए माइनस बी टी है, ए और बी जीरो नहीं है ये बोल रहा है। तो ध्यान से देखो, तो इसको कंपेयर अगर मैं करूँ तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस ये टी है आपका डेल्टा एच नॉट। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो डेल्टा एच नॉट है और जो बी है वो डेल्टा एस नॉट है। तो वी नो कि अगर ध्यान से देखो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो इंडोथर्मिक होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक्सो होता है तो डेल्टा एच, डेट मीन्स ए को नेगेटिव होना चाहिए, बी पे तो कंडीशन ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे बी पे कोई कंडीशन नहीं है, एंट्रोपिक हो कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाटर की इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, डेल्टा जी नॉट पूछा है 298 केल्विन पे, ऑप्शन आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है, वी नो ऑलरेडी वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका जो के इक्विलिब्रियम है वो इस टेम्परेचर पे फिक्स है, कितना 10^-14। तो ये गिवन नहीं था, बस ये पॉइंट ध्यान देना, बट डेट मीन्स आयनिक इक्विलिब्रियम को कनेक्ट कर लिया है। अब वी नो कि इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस में आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे क्योंकि वो नेचुरल लॉग था। तो हमें डेल्टा जी नॉट पूछा है तो पुट कर दो, माइनस में 8.314 टेम्परेचर 298 × 2.303 और लॉग ऑफ 10^-14। तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए माइनस वाले ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये ले लो 25/3, इसको 300 के आसपास ले लो, ये 2.3 है और ये 14 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो ये 100 से आपका कैंसिल हो जाएंगे, 2500 टू द राइट 50 और 45 द 70, मतलब 80 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन सी। ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली एक्स गिव्स यू वाई, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का दिस माइनस ये है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका डेल्टा एच नॉट है, ये टी है, तो यही आपका डेल्टा एस नॉट है। तो मेजर कंपोनेंट रिएक्शन का क्या होगा, उसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका। तो आप क्विकली ऐसे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता, ये चीज़ें जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/80, तो यहाँ से टी निकाल लो तो आ जाएगा 320 केल्विन। डैट मीन्स
अगर 320 से ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तब डेल्टा जी निगेटिव होगा और डेट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वाई ज़्यादा होगा। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 320 है तो वाई ज़्यादा होगा क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो आगे चले जाएंगे, और अगर टेम्परेचर 320 से कम है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो एक्स मोर होगा। अब ऑप्शन चेक कर लो आप, तो यहाँ पे 300-280 केल्विन पे वाई, वाई की तो तभी सोचना जब 320 से ज़्यादा हो, तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं थे। 350 पे ये 320 से ज़्यादा हो गया तो एक्स ज़्यादा नहीं होगा, वाई ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ये 320 से कम है और कम है तो एक्स मोर होगा, तो ऑप्शन डी। तो इस टाइप के भी एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ये इस टाइप से दो रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट गिवन था और इस रिएक्शन का पूछा है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको बता रखा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना है, Fe2O3 मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ लेफ्ट साइड में, CO लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ भी लेफ्ट में, बट इसका कोफिशियंट 6 है, इसका 2 है, तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 15 किलो जूल में, राइट। बस ये ध्यान रखना था, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगी, तो ये दोनों को भी ऐड करना है, तो ये माइनस में 1515 है और ये प्लस में, तो आंसर माइनस में आएगा और वेरी लेस डिफरेंस होगा, राइट, क्योंकि ये भी अप्रॉक्स 1500 के आसपास है, तो ये सब ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान से देखो, तो एक ही ऑप्शन है बी, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक रिएक्शन है डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट गिवन है, वो टेम्परेचर बताना जहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी को 0 पुट कर दोगे तो टी क्या हो जाएगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। बस ध्यान रखना डेल्टा एच किलो जूल में 179 × 1000 कर देना और डेल्टा एस आपका 160 है, इसको कैलकुलेट कर लो, अप्रॉक्स में 3118 आ जाएगा। तो ये वो टेम्परेचर है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो इसलिए बाउंड्री वैल्यू ये आपको टिक करना था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी जो है वो यूजफुल एनर्जी है, और वो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी में से माइनस कर देंगे यूजलेस एनर्जी को, तो इस टर्म का आपको बेसिक फीलिंग होना चाहिए कि एक्चुअली में डेल्टा जी है क्या। इसलिए कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, मतलब डेल्टा जी आपसे पूछना चाह रहा है, इसलिए क्वेश्चन में अगर कहीं पे मेंशन है कि फाइंड यूजफुल वर्क, तो डेट मीन्स डेल्टा जी बताना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, और स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट, तो इसलिए डेल्टा जी मतलब यूजफुल एनर्जी या यूजफुल वर्क। और पॉइंट नंबर 2 कि डेल्टा जी नॉट डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आरटी एलएन के किलोम होता है, ये डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट है, तो एलएन के किलोम क्या हो गया आरटी से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा एच नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर इंटू 1/T। अगर मैं दो डिफरेंट कंडीशन में इस इक्वेशन को यूज करूं, एलएन के टू इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा K1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, राइट, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो इन दोनों में से 1 में से 2 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, राइट। और ये फॉर्मूला आप कई जगह यूज करते हो काइनेटिक्स में, राइट, अगर एक टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट गिवन है तो दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा, वैसे ही सॉल्यूशन में एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर गिवन है तो दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा, या फिर इक्विलिब्रियम पे कि अगर एक टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहना है तो दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा, तो ये हम काफ़ी बार यूज करते हैं, तो वो इक्वेशन यहीं से आती है। और पॉइंट नंबर 3 कि चूंकि डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन है, तो इसीलिए अगर ए से बी का डेल्टा जी एक्स है और बी से सी का डेल्टा जी वाई है, तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो ए से सी मिल जाएगा, राइट, तो ऐड किया तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो इस टाइप के भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप मेरा ये डेल्टा जी वाला समझाने वाला प्रयास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सारे PYQ को कर सकते हो। थैंक यू।